करुणावतारो हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये भक्त्या विहीनापराध लक्ष्य क्षिप्तासि कामादि तरंग मध्यै कृपा मयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम्। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बरासे हे रूप दुर्गत जनै दयावलोकै हे भट्ट युग्म सुमति श्रीजीव मिकुरुत मंदमति तारम अपार संसार समुद्र सेतु वैभागम स्वरूप द्वैपायन विरह कातर आजु भाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेतुं स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तस्मि नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब एक और हाथ उठाकर बोलो बोलो हरि कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके सबके सब बोलो बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोजन में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे सौनकादि ऋषियों ने सुत गोस्वामी को छह प्रश्न की। छह प्रश्न का पहला प्रश्न था आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। दूसरी प्रश्न थी कलियुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या है, जिसका उत्तर में श्री सुत गोस्वामी ने बताए बले कलियुग के बलना माधार करतल कहाँ है। कलियुग के बलना माधारा कलियुग के बलना माधारा सुमेरे नारा उतरई पारा सुमेरे
तेरे नारा उतराई पारा काली जोग के बलना माधारा काली जोग के बलना माधारा। कलयुग में केवल भगवान का नाम जब से जीव का कल्याण होगा, इसलिए हमारे श्री नारद जी पुराण में बताए बोले हरेर नाम इव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। पहला लाइन में बताइए हरि का नाम और दूसरे लाइन में बताया नहीं, ये तीन बार बताए बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय माइक दे दे बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय तुम गाओ बोले गोविंद गाओ जय गोपाल जय जय गोविंद बोला पाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा बोला गोविंद जय बोला अरे माइक लीजिए उनको बोला माइक लो गोविंद जय जय गो गोविंद जय जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय गिरिधारी की जय बनवारी की जय बोलो कुंज बिहार Oh,
लाल की जय हो। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय हो। नारदीय पुराण में बताए कलयुग में भगवान के नाम के सिवाय कोई गति नहीं नहीं नहीं। ये तीन तीन बार भी बताए, भले किसी बात को अगर तीन बार बता दे वो दृढ़ हो जाता है, इसलिए तीन बार बताए। दूसरा कारण है, हम कलयुग का जीव है, एक बार बोलने पर हम सुनेंगे नहीं, इसलिए तीन बार बताए। बोले भगवान के नाम के सिवाय कोई गति नहीं। अगर प्रभु का नाम को छोड़ करके कलयुग में कोई योग साधन ध्यान ज्ञान तपस्या करे तो उसको कोई फल नहीं मिलने वाला। इसलिए केवल भगवान की हरि नाम ही करो कलयुग में। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए शंकर जी पार्वती को कहते हैं, बोले पार्वती ये कलयुग में ये जो 16 नाम और ये जो 32 अक्षर है इसकी द्वारा ही जीव का कल्याण होने वाले मंगल होने वाले। बोले कलयुग में हरि नाम क्यों करे, बोले एतत् निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुत भयम् योगिनाम निपनिर्णित हरे नामानुकीर्तनम। अगर कोई बोले हम तो संसार का जीव माया में पड़े हुए इसलिए हमें ही हरि नाम करनी चाहिए, बोले नहीं, बड़े बड़े मुक्त महापुरुष भी हरि नाम को जप करते हैं। शंकर जी गोस्वामी जी कहते हैं पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी महामंत्र जयी जपत महेशा। ये शंकर भी हरि का नाम जप करते हैं, महामंत्र जयी जपत महेशा। आप माता देवी को देखना 8 हाथ में, एक हाथ में देखोगे माला है। इसलिए एक समय माता पार्वती शंकर जी से प्रश्न की, बोले प्रभु हमें किसकी नाम जप करनी चाहिए। ये शंकर खुद कहते हैं, बोले राम रामेति रामेति रम रमे मनोरमे सहस्र नाम अविस्तुल्यम श्री राम नाम बरानने। बोले हे सुंदरी पार्वती यदि अगर कोई विष्णु सहस्र नाम को एक बार करे, 1000 विष्णु का नाम जप करे, एक बार श्री राम का नाम करने से उसको वही फल मिल जाती है। तभी से माता पार्वती क्या करती हैं, गोस्वामी जी कहते हैं बोले सहसना मा सुनी प्रिय बानी जापी जय संग प्री भवानी। पार्वती शंकर जी को इतना क्यों प्रिय है, बोले कारण है पार्वती भगवान के नाम को जप करते हैं इसलिए इतने प्यारी शंकर जी की। बोले श्री भोले बाबा की, बोले मैया पार्वती की। अब हनुमान जी को देखो, हनुमान जी क्या करते हैं, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। हनुमान जी यही नाम जप करते हैं ना, आप सब जानते हो हनुमान जी यही हरि नाम जप करते हैं। गणेश जी का नाम सुने, आप लोग गणेश जी का नाम सुने हो, कौन कौन जानते हो हाथ उठो, हाथ उठाओ, कौन कौन गणेश जी को जानते हो, आप जानते हो सब। ओ इसलिए आप देखना गणेश जी की सबसे पहले पूजा किसकी होती है, गणेश जी की। क्यों देखो रहस्य अच्छे तरह सुन लो। एक समय 33 करोड़ देवता एकत्रित हुए, बोले अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए, सबसे पहला पूजा किसकी होनी चाहिए। बोले अग्र पूजा उससे होनी चाहिए अगर ये विश्व ब्रह्मांड को परिक्रमा करके जो आ जाए। ये कोई साधारण बात है, देखो भारत का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कितने लड़ाई, मुख्यमंत्री बनने के लिए कितने लड़ाई, और संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में
33 करोड़ देवता में सबसे पहला पूजा किसकी होगी, कितनी बड़ी बात है। ए इतने में ब्रह्मा जी अपना हंस बाण लेकर उड़ चले, कार्तिक अपना मयूर बाण लेकर चल पड़े, अभी गणेश जी कहां जाएंगे? आप बताओ गणेश जी का वाहन कौन है? चूहा। अभी गणेश जी चूहे को लेकर कहां जाएंगे? चुपचाप बैठे हुए। इतने में श्री नारद जी आए, बोले क्या बात? बोले ऐसे ऐसे, बोले चिंता मत करो, बोले हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु। बोले एक काम करो, भगवान का नाम लिखो, कृष्ण नाम नहीं तो राम नाम लिखो, उनको चार बार परिक्रमा कर लो, क्योंकि ये लोग तो पता नहीं कितना दिनों में ये एक ब्रह्मांड को परिक्रमा करके आएंगे, लेकिन ठाकुर जी के अंदर में अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड ठाकुर जी के अंदर में। बोले तुम एक एक बार नहीं, अनंत करोड़ ब्रह्मांड को तुम्हारी चार चार बारी परिक्रमा हो गई। सारे देवता घूम घा कर कता नहीं कितने सालों में आए, मिट्टी की हुई सबसे पहले कौन, किसकी पूजा होगी, किसने कहा मैंने पहले परिक्रमा करके आई, किसने कहा तेरे से पहले मैं आ गया, तीसरा ने कहा तेरे से पहले मैं आ गया, लड़ाई लग गई। इतने में गणेश जी बोले सब चुप बैठो, तुम लोग तो एक ब्रह्मांड को पता नहीं कितना दिनों में परिक्रमा करके आए, मैं एक ब्रह्मांड नहीं अनंत करोड़ ब्रह्मांड को मैंने तीन तीन बार परिक्रमा कर ली। बोले कैसे? बोले हरि से बड़ा हरि का नाम है, इसलिए मैंने प्रभु का नाम को लिख कर चार बार परिक्रमा कर ली। ए गणेश जी की जय जयकार हो गई। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बोले माही मजा सो जाना गण राओ, प्रथम पूजे अतना मा प्रभाओ। गणेश जी का पहला पूजा क्यों होती है? कारण है उन्होंने भगवान के नाम की महिमा को समझ गए, इसलिए दुनिया में इनकी जय जयकार हो रही है। इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव सुतो गोस्वामी कहते हैं, केवल बद्ध जी भी भजन करे ऐसे नहीं, भगवान का नाम को मुक्त महापुरुष भी भगवान के नाम को जप करते हैं। बोले दूसरा व्यक्ति कौन नाम जप करता है? कहते इच्छताम अकूत भयम। अगर संसार में कोई अभय में रहना चाहता है, निर्डर निर्भय में रहना चाहते हैं, क्या करनी चाहिए? उनको भी हरि नाम करनी चाहिए। और जो व्यक्ति ऋषि नाम नृप निर्णित, जितने ऋषि मुनि हुए सबके सब एक ही बात बताए, कलयुग में क्या करनी चाहिए? भगवान की नाम को जप करनी चाहिए। इसलिए एक भजन है, कहते राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला। कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला, माला जपी थी यशोदा माने, माला जपी माला जपी थी यशोदा माने, मिल गया मुरली बाला जपेगा कोई दिल बाला, मिल गया मुरली बाला जपेगा कोई, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल बाला, कृष्ण नाम की
माला जपीती गौरा माने माला जपीती मिल गया डम्बरू बाला जपेगा कोई दिल वाला मिल गया ए माइक का थांका तेज कर दो और क्या तेज कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला कृष्ण नाम की क्या बोल रहे हैं बोले राम नाम की माला जपेगा कोई जोर से बोला दिल्ली वाले नहीं है वो दिल्ली वाले नहीं कौन जप करेगा दिल वाला मतलब क्या जिसका दिल मजबूत हो ना वही जप कर सकता है नहीं तो दुनिया क्या बोलेगा बोले भगवान की यदि भजन कर माला जप करेगा अरे तू क्या साधु संतना नहीं बन गई हो संता नहीं तू बन गए भक्ता नहीं बन गए हो बड़े बड़े तिलक गला में कंठी धारण करके घूमते हो फिर शर्म लगेगा मीरा ने भजन की थी ना देखना सारा दुनिया उसकी विरोध हो गई इसका ननंद सास देवर जेठ गांव के कुत्ता तक भी इसको पीछा नहीं छोड़ी इसका मतलब क्या भजन करने के लिए जाओ ना देखना सारा दुनिया तुम्हारी विरोध हो जाएगी लेकिन प्रभु की भजन नहीं छोड़नी चाहिए ठाकुर जी की भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए बताओ दुनिया में किसकी नाम हो रही है मीरा की जय जयकार हो ना ध्रुव प्रहलाद महाराज जो भजन की उसको पिता नहीं उसको पीछे पड़ गया मारने के लिए लेकिन जगत में किसकी जय जयकार हो रही है श्री प्रहलाद महाराज की इसलिए भैया भगवान की भजन करने के लिए कोई लाज शर्म कुछ भी नहीं करनी चाहिए खूब डट करके भगवान की भजन करो एक बार हाथ उठा करके बोलो जोर से करके बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 और एक बार जोर करके बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोले बदंती तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानांगमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति सप्तते ध्यान देकर सुनो कतो एक ही भगवान है लेकिन एक ही भगवान का बोले तीन इनकी स्वरूप है एक इनका ब्रह्म स्वरूप है जिसको ज्ञानी लोग निराकार निर्विशेष और ज्योति मान कर भजन करते हैं ध्यान देकर सुनो सबके सब क्योंकि हमारे भारतीय लोग ना बड़ा कंफ्यूज है कहते भैया वो ब्रह्म ज्योति को ध्यान करे ना वो परमात्मा को पूजा करे ना कृष्ण राम को पूजा करे पूजा करे तो करे किसी को तो यहाँ पर सुतो गोस्वामी बहुत अच्छे तरह से ये चीज को उन्होंने क्लियर किया है बोले योगी लोग किसको भजन करते हैं बोले हृदय में एक अंगुष्ट परिमाण परमात्मा को भजन करते हैं बोले भैया भक्त लोग किसको भजन करते हैं बोले भगवान कृष्ण को नहीं तो भगवान राम को भजन करते हैं बोले भैया इसमें कोई फर्क ना एक ही बात है तो इसको समझाने के लिए एक उदाहरण दे करके समझाए बोले जैसे आम का सीजन है मार्केट में आम आया है एक राजा ने एक सेवक को बोला मैंने सुना है बड़े सुंदर आम आया है हैं दशहरी आम चौसा आम आया है जाकर देख करके आओ तो उस सेवक गया देखा सचमुच से बड़ी सुंदर सुंदर पीले पीले रंग की आम बिक रहा है वो केवल देख करके वापस आ गया बोले महाराज एकदम बढ़िया एकदम पीला पीला रंग के बड़े सुंदर दशहरी और चौसा आम है राजा और एक सेवक को भेजा तू देख कर क्या उसने भी गया देखा बोले महाराज उन गए वो तो पहला सेवक देख करके आया था इसने स्पर्श किया और सूंघा बड़ी खुशबू है और पक्का हुआ आम वो भी वापस आ गया महाराज बोले आम कैसे बोले महाराज बड़े सुंदर आम सूंघ करके और स्पर्श करके आया हूं बड़े मीठा आम है और बड़े पक्का हुआ आम है
राजा तीसरे सेवक को भेजा, भैया तू देख कर क्या। उसने भी गया, देखा, स्पर्श भी किया, सूंघा, बोले 5 किलो आम दो। 5 किलो आम लाए, पानी में उस ठंडे पानी में भिगवाए और उसको अमुनिया करके ठाकुर जी को तुलसी पत्ता से भोग लगाए। जब उन्होंने आम खाया, ये बड़ा मीठा आम है। राजा पूछे, भैया आम कैसे? बोले महाराज बड़े मीठा आम है, बड़ा मीठा आम है। अच्छा तरह समझो ये चीज को। जो पहला नंबर जो व्यक्ति गया के बोले देख करके आया, बोले वो कौन है? बोले वो ज्ञानी है जो भगवान को दूर से एक ज्योति रूप में दर्शन करता और उनको और कुछ नहीं मिलता है। दूसरा जो व्यक्ति गया, स्पर्श भी किया, सूंघा, कहती ये कौन? बोले ये जोगी जो भगवान को अंगुष्ट परिमाण पुरुष रूप में हृदय में ध्यान करता है। लेकिन जो लास्ट में गया, स्पर्श भी किया, सूंघा और आम को लेकर के आया, ठाकुर जी को भोग लगा कर खाए, बड़ा मीठो है, बड़ा स्वाद है, कल ये कौन है? बोले भक्त है। बोले भगवान को कौन पूर्ण रूप में प्राप्त करता है? यद्यपि ज्ञानी केवल एक ज्योति रूप में दर्शन करता और कुछ नहीं। जोगी केवल अंगुष्ट परिमाण परमात्मा का ध्यान करता, लेकिन जो भक्त है, अगर भगवान को पूर्ण रूप में कोई प्राप्त करता, कौन प्राप्त करता है? भक्त ही प्राप्त करता है। इसलिए भगवान को क्या बताए? बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की। भक्त का ही भगवान है, वो ज्ञानी का भगवान नहीं, कर्मी का भगवान, जोगी का भगवान नहीं, भगवान केवल भक्त का ही भगवान। इसलिए सूरदास ने बड़ा सुंदर एक पद गाया है, वो पद है सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भैया तुला निकालो, माइक वाले माइक खोलो भैया। सगाई सब प्रेम सगाई प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची Yeah.
से ऊंची, उसके बाद में प्रेम सगाई। मतलब क्या है, यद्यपि भगवान सब चीज में बनते हैं, लेकिन ठाकुर जी प्रेम से जितना बनते हैं ना, उतना किसी को द्वारा बनते नहीं। इसलिए गोस्वामी जी एक एक उदाहरण दे करके बोले, दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाए। जब भगवान जी शांति दूत बन करके गए थे, दुर्योधन को बोले पांडवों को कुछ भी नहीं चाहिए, केवल 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने किया बोले, बोले बगर युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी जमीन देने के लिए तैयार नहीं। 5 गांव की बात करते हो, तैयारी नहीं हुआ। वो सोच रहा था कृष्ण ग्वाला खिला पिला कर खुश कर दूंगा, बोले पहले भोजन कर लो। ठाकुर जी बोले देखो भोजन 3 स्थान पर करते हैं। पहला स्थान है जो काम के लिए गए, अगर वो काम बन जाए तो बोले भैया कोई बात नहीं, काम बन गया भोजन कर लो। अगर कोई मित्र हो उसको घर में भोजन कर लेते हैं। दुर्योधन ने बोला मैं क्या मित्र नहीं, शत्रु। बोले हाँ तुम मेरे शत्रु। बोले क्यों? बोले मेरे भक्तों का जो मित्र वो मेरा मित्र है, और मेरे भक्तों का जो शत्रु हो मेरे शत्रु है। पांडव मेरे भक्त है इसलिए तू उसका शत्रु, मतलब मेरा शत्रु। तीसरा स्थान पर खाते हैं अगर भूख लगे। कल मैं तो आत्माराम, आप तो काम हो, मेरे तो भूख है ही नहीं। बोले कहां पर खाओगे? बोले कहीं खा ही लूंगा। कहां पर गए? ठाकुर जी विदुर जी के घर में गए। उसी समय में विदुर जी थे नहीं, विदुरानी थी। बोले ठाकुर हम खिलाए तो खिलाए किया, केले की छिलका खिला रही थी। ठाकुर जी बड़े खुश होकर खा रहे थे। जब विदुर जी थोड़ी देरी बाद में आए, बोले पागली क्या खिला रहे हो ठाकुर जी को? इतने में उसको होश आया, वो तो होश थी नहीं। जब उसने केला खिलाना छूर किया ना, ठाकुर जी बोले देखो विदुर जी, मैं केला भी नहीं खाता हूँ, वो छिलका भी नहीं खाता हूँ, मैं तो केवल प्रेम ही भोजन करता हूँ, केवल मैं प्रेम का भूखा हूँ। इसलिए ठाकुर जी प्रेम में बसीभूत होकर क्या नहीं करते हैं। उनने क्या किया, अर्जुन का सारथी बन गए। कहा विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, काम क्या कर रहे, सारथी का काम कर रहे हैं। भगवान प्रेम के बसीभूत होकर कहां पर गए? ठाकुर जी गए सबरी के पास में। बोले झूठा बेर सबरी के खाए, बहु विध स्वाद बताए। बोले सबरी आज तेरे झूठे बेर में जो स्वाद आया है, मेरे को बैकुंठ में मेरी कितने लक्ष्मियां मेरी सेवा करती हैं, आज तेरे बेर में जो स्वाद आया वो स्वाद बैकुंठ में राजभोग में भी नहीं आता। तब भगवान किसको द्वारा बसीभूत हुए? प्रेम को द्वारा ही ठाकुर जी बसीभूत होते हैं। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की। कोई जय कोई हे बोल रहे हो? अरे कम से कम जोर से बोलो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ चंगा होकर बैठो। हरे कृष्णा। बोले ऐसे जो भगवान हैं, बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। ऐसे जो भगवान हैं, भागवत में भगवान की 24 अवतार की कथा है। पहला जो ठाकुर जी अवतार हुए हैं, ये चतुसन रूप में ब्रह्मा जी की मानस पुत्र रूप में हुए हैं। भगवान क्या जो दूसरा बता रहे, ठाकुर जी बराह रूप में आए। हाँ ध्यान देकर सुनो सब। कहते शाम का समय में 4 ही काम नहीं करनी चाहिए। कितना काम नहीं करनी चाहिए? अरे बोलो जोर से, क्या क्या? आज मैं बताऊंगा, कल सुनूंगा। पहला काम है शाम का समय में भोजन नहीं करनी चाहिए। जो भोजन करेगा ना, उसका पेट का रोग कभी सही नहीं होगा, जिंदगी भर पेट रोग में वो करेगा। दूसरा काम पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। शाम का समय में ठाकुर को सेवा पूजा कर सकते हो, और दुनियादारी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। क्यों? जो पढ़ोगे उसको भूल जाओगे। हम कभी कभी कहते हैं ना, बच्चे घर में तो सब बात को याद करता है, लेकिन जो वो पेपर देने के लिए जाता है सब भूल जाता है। इसलिए शाम का समय में पढ़ाई मत करो। तीसरा काम किया, ठीक शाम का समय में सोना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति सोएगा उसको घर में लक्ष्मी कभी नहीं आएगी, वो जिंदगी भर दरिद्रता भोग करेगा। और नियम भी सवेरे भी नहीं सोनी चाहिए। सवेरे नियम है ब्रह्म मुहूर्त में उठनी चाहिए।
इसलिए बोले चार तरह का स्नान है। कितना तरह का स्नान है, क्या क्या है? बोले एक ऋषि स्नान, एक देव स्नान, एक नर स्नान और एक राक्षस स्नान। बोले ऋषि स्नान किसको कहते हैं? ऋषि मुनि साधु संत कब उठते? ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्य उदय होने से पहले उठ जाते हैं, उठ करके वो नहा धो लेते हैं, इसको कहते हैं ऋषि स्नान। दूसरा स्नान देव स्नान। देवता लोग कब स्नान करते हैं? सूर्य ठीक उदय होने से पहले। और जो नर स्नान, इंसान को कब नहानी चाहिए? एकदम सवेरे सवेरे, सूर्य जब उदय हो उसी समय में स्नान कर लो। बोले राक्षस स्नान किसको कहते हैं? बोले सूर्य उदय होने के बाद में जो नहाते हैं ना, उसको कहते हैं। कौन सा स्नान करते हैं आप लोग सोच लो, कौन सा स्नान करते हो? इसलिए सवेरे नियम है, सवेरे उठ करके ठाकुर को जगाओ, ठाकुर जी का आरती उतारो, गीता भागवत रामायण पढ़ो, घर में दिया जलाओ, घर में लक्ष्मी आती है। इसलिए सवेरे जो ज्यादा समय सोएगा ना, सूर्य उदय होगा सो रहे, लक्ष्मी घर में नहीं आएगी, दरिद्रता घर में आएगी। तर इसलिए नियम है, शाम का समय भी नहीं सोनी चाहिए, दरिद्रता। और चौथा काम क्या है? बोले पत्नी सहवास, पत्नी को साथ में सहवास नहीं करनी चाहिए। इसलिए भगवान जो दूसरा अवतार लिया है, बराह अवतार, बराह अवतार में क्या किए? उन्होंने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को वध किए। भगवान बराह और श्री नरसिंह अवतार में वध किए ठाकुर जी। बोले ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप क्यों हुए? बोले श्री हैं कश्यप ऋषि के पत्नी थी जिसका नाम थी दीति, और राजकुमारी देखने में बड़ी सुंदरी थी। एक समय ठीक शाम का समय में उसने सीसा को सामने खड़ी होकर के श्रृंगार की। अपना श्रृंगार को देख करके वो इतने काम मुग्ध हो गई, काम में बाबरी बन गई। उसने ठीक शाम का समय में पति को पास में मिलने के लिए गए। ऋषि ने मना की, देखो दीति समय सही समय नहीं। क्यों? ठीक शाम का समय में शंकर जी अपना भूत पिशाच को लेकर घूमते हैं, भूत पिशाच को लेकर घूमते हैं, इसी समय मिलने का समय नहीं दीति, इसलिए मत मिला करो। लेकिन वो काम में इतने आतुर हो गई थी, उसने जोर जबरदस्ती पति को साथ में मिली। जब पति को साथ में मिले, पति ने कहा, देखो तुमने जो काम ना, अच्छा काम नहीं किया। तेरे गोद में दो बच्चे होंगे, लेकिन दोनों राक्षस होंगे। अभी दीति बड़ी दुखी हो गई, मेरे अपराध माफ कर दो, गलती हो गई, मेरे से अपराध हो गई, माफ करो। बोले देखो तुमने माफी मांगी है, मैं और एक वरदान दे सकता हूं, तेरे बेटे तो राक्षस होंगे, लेकिन तुअर जो पोता होगा ना, ये भगवान की परम भक्त होकर के जन्म लेगा। इसलिए हिरण्यकश्यप का बेटा कौन हुआ? श्री प्रहलाद महाराज हुए, जिसकी वजह से स्वयं नरसिंह देव खंभे फाड़ करके भगवान नरसिंह देव प्रकट हो गए। बोले श्री नरसिंह भगवान की, भगवान का जो तीसरा अवतार है ठाकुर जी, श्री नारद रूप में आते हैं। अब दुनिया नारद को जानते हो, लेकिन जगत में नारद जी का बड़ा बदनाम है। हम क्या कहते हैं, तू क्या नारद जी का काम कर रहे हो? मतलब क्या, क्या झगड़ा लगा रहे हो? बोले ऐसे नहीं, नारद जी के बगैर ठाकुर का कोई लीला ही नहीं हुआ है। इसलिए नारद जी की विशेष करके चार ही चेले हुए हैं, दो बालक हुए और दो वृद्ध हुए। दो बालक कौन कौन हुए? एक हुए प्रहलाद और एक हुए ध्रुव महाराज, जिन्होंने 5 साल उम्र में ही जिन्होंने भगवत प्राप्त किया, जिन भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग कितने कठोर तपस्या करते हैं, लेकिन 5 साल उम्र में उन्होंने भगवत प्राप्त किया है। इसलिए एक गोस्वामी जी कहते हैं, बोले जनमा जनमा मोनि जत न कराए, जनमा जनमा मोनि जत न कराए,
जा नमा जनामा होनी जाता ना कराए जनमा जनामा होनी जाता ना कराए अंतराम कही आबत नाही अंतराम कही आबत नाही जनमा जनमा मोनि जाता ना कराए और श्री नारद जी की दो शिष्य हुए दो वृद्ध हुए बोले कौन कौन हुए बोले एक श्री वाल्मीकि हुए जिन्होंने हमारे सनातन धर्म का जो ग्रंथ श्री रामायण जिन्होंने लिखा है पहले ये थे दशरथनाकर ये डाकू डाका डालते थे जब नारद जी से भेंट हुए बोले बाबा निकालो क्या माल पानी बोले भैया संत के पास में लोटे सोटे लंगोटा और क्या है बोले जो कुछ हो निकालो बोले ये बताओ तुमने ये जो पाप कर्म करके पैसा कमाते हो उसका पाप कौन लेगा बोले मेरी बीवी मेरे बच्चे मेरे पिता माता बोले पूछ कर क्या ये सब के सब तेरे सुख में मदद कर रहे हैं ये दुख में तेरे साथ कोई देने वाले नहीं जा पूछ कर क्या पूछने के लिए गया पत्नी से पत्नी बोली मैं क्यों पाप लूंगी घर का काम मेरी बाहर का काम तेरा मेरे को पता नहीं बच्चों को पूछे बोले अभी तो हम बच्चे हैं आपका कर्तव्य हमको खिला पिला करके बड़ा करना जब बड़े बन करके पैसा कमाएंगे फिर हम सोचेंगे पिता माता को पूछे बोले क्यों तेरे को जन्म दिया लिखाया पढ़ाया बड़ा किया भैया मेरे को पता नहीं कैसे पैसा कमाते हो बोले भैया नारद तो सही बोल रहे थे वापस आए बोले बाबा आपने सही बताया बताओ ये पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी तो बोले बोलो राम बोलो 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 अभी भी कुछ कुछ भक्त लोग बोल नहीं रहे जोर से बोलो बोलो लेकिन उसका मुंह से राम का नाम नहीं निकला बोले क्यों पापी है ना ये पापियों को मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलती है इसलिए पुण्यात्मा का मुंह से ठाकुर का नाम निकलता है देखो भगवान कृष्ण क्या क्या कहते हैं बोले मेरे नाम को कौन कर सकता है बोले जनई पूर्व सत जन्मम वासुदेव समर्चनम तन्मुखे हरि नामानी सदा तिष्ठति भारत बोले हे भारत हे अर्जुन वही मेरे नाम को ले सकता है जिसने पूर्व पूर्व जन्म में एक जन्म नहीं जिसने 100 जन्म तक ठाकुर जी की पूजा सेवा की तभी कोई भगवान का नाम ले सकता है हमारी एक संत कहते हैं जो व्यक्ति ठाकुर का नाम लेगा उसको 3 काम हो जाएगा कितना काम होगा क्या क्या होगा आज मैं बोलूंगा कल आपसे सुनूंगा पहला काम है देखो ध्यान देकर सुनो बोले नरक में जम महाराज चित्रगुप्त को बुलाते हैं चित्रगुप्त कौन है जो जीवन की सारी लेखा जोखा जो करते हैं बोले चित्रगुप्त रजिस्टर लेकर के आ जा बोले क्यों बोले ये व्यक्ति का नाम को चढ़ा दे व्यक्ति का नाम को काट दे क्योंकि ये भगवान का नाम ले रहा है ये कभी और नरक नहीं आएगा दूसरा काम किया बोले गोलोक वृंदावन में राधा रानी अपना सखी को बोलती हैं बोले सखी रजिस्टर ले आ बोले क्यों बोले इसका नाम को लिख दे बोले किस लिए बोले हरि का नाम ले रहा है ना अभी सीधा गोलोक वृंदावन आएगा कहाँ जाएगा भगवान की धाम को जाएगा बोले तीसरा काम किया बोले ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक में आरती की थाला सजाते हैं ये जब भूर भूव पार करते हुए जाएगा उसको मैं आरती उतारूंगा इतने महिमा ठाकुर की नाम जप करने के लिए इसलिए श्री नारद जब बोले बोले दशरथनाकर को बोलो राम बोलो 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 आप लोग बड़े पुण्यात्मा क्योंकि पुण्यात्मा नहीं होता है ना आपका मुंह से कभी राम का नाम ही नहीं निकले
आप लोगों ने करोड़ों करोड़ जन्म का कोई पुण्य किए हो तभी भगवान के नाम आपके मुंह से आ रहा है। लेकिन उसको मुंह से राम के नाम नहीं आया, बोले तू बोलता था मारो मारो, बोले हाँ, बोले मरा मरा तो बोल सकता, बोला इतना तो बोल सकता हूँ। इसलिए उन्होंने कहते उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना और नाम लेत भव सिंधु सुखाई विचार कर सुमन मन माही। इतने भगवान के नाम की महिमा है। एक बार हाथ रख दो माइक को पास में रखा करो। Thank you.
राधे 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 बोले श्री वृंदावन लाल की जय जय श्री राधे। अरे क्या हो रहा है? इसलिए जब श्री सुत गोस्वामी वर्णना करते करते भगवान की 26 अवतार को बाद में बताए और बीच में ये बोल दिए जो भगवान जो कृष्ण है ये भी एक अवतार है, सुत गोस्वामी तो डर गए। बोले क्यों? बोले जो कृष्ण है वो अवतार नहीं है। बोले फिर कृष्ण कौन है? बोले कृष्ण अवतारी है। अवतारी मतलब होता है जिनसे ये सारे अवतार आते हैं। इसलिए पितामह ब्रह्मा कहते हैं बोले अहो भाग्यम नंद गो कबर जो कसाम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। भगवान जो कृष्ण है ये पूर्ण है, ये ब्रह्म है, ये सनातन भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो सोलो कला में जो परिपूर्ण है। बोले श्री बांके बिहारी लाल की। जब श्री सोनकादि ऋषि लोग प्रश्न करते हैं, जैसे यहाँ भागवत कथा हो रही है, अगर किसी व्यक्ति की कोई छोटे मोटे काम होना उसको निमंत्रण दो, बोले भैया भागवत कथा सुनने के लिए आओ, बोलेगा भैया मेरे पास में समय नहीं, हमारी छोटी दुकान अपना कोई बिजनेस है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जो परीक्षित महाराज थे उसी समय में वो कोई राजा नहीं थे, वो कौन थे जानते हो? बोले चक्रवर्ती। चक्रवर्ती मतलब क्या? ये संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर में इनकी राज्य तो चल रही थी, पृथ्वी का राजा थे। आश्चर्य की बात है इन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ करके गंगा किनारा में उन्होंने 7-7 दिन तक तो कथा सुनी। बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है। इसलिए आप भागवत पढ़ोगे देखोगे जिन जिनियों का कथा आता है ना वो कोई छोटे मोटे व्यक्ति की कथा नहीं, वो राजा महाराजों का कथा आती है। इसलिए पहले देखो जितने राजा महाराजा क्या करते थे, भगवान की भक्ति करते थे, भगवान की भजन करते थे, ठाकुर की सेवा पूजा करते थे, तभी तो भागवत में इनके नाम आया ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरी बोल। क्या कर रहे हो? सब बारंबार कर रहे हो। हाँ डोरीलाल जी एक भजन गा लो, लेते ही आ जाएगा। लो दो माइक, इनको माइक दो, माइक कहाँ है? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। हेमंत जी आ जाओ जल्दी जल्दी। एक गोपी का भाव है, भगवान भक्त भक्त कहा कह रही मोर मुकुट कटका छिनी कर मुरली
वनमाल यह वाणी के मोहन बसो बिनु जो बिहारिया श्री राधा बिनु जो बिहारी जी की जय 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 श्री राधे रात श्याम ये
इसमें अंतिम जो है ना बहुत ही हमारे जीवन के लिए दान महत्वपूर्ण है। अगर हम जीवन में जो भगवान का स्मरण करेंगे तो दान पर जाएंगे तो यह दान क्या करेंगे सबसे ज्यादा और सागर से हम लोग शहर में बात हो जाएंगे। तत अपाश्रयम्। जब उन्होंने भगवान कृष्ण का नाम को उन्होंने बोले समस्त कारणों का कारण भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही समस्त कारण का कारण है। इसलिए एक्स अभी ये जो भागवत कथा है अभी ये महाभारत के तरफ में जा रही है। कहते महाभारत कहते ये भागवत ग्रंथ का जो श्रोता है श्री परीक्षित महाराज और जो वक्ता हैं श्री सुखदेव गोस्वामी। एक बार जयकार बोलो, बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की, बोले श्री परीक्षित महाराज की। अभी ये महाभारत की ओर जा रही है। हाँ ध्यान देकर सुनो, कहते कभी कभी हमारे घर में भी महाभारत हो जाती है। कहते ये महाभारत का कारण क्या था? हाँ माताएं ध्यान देकर सुनो, कहते ये दो कारण से ये महाभारत हुई है। पहला कारण है ये दुर्योधन चाहता था ये सारे संपत्ति मुझे ही मिल जाए, ये संपत्ति और किसी को नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए तो महाभारत हुई ना, पहला कारण है। दूसरा कारण है ये द्रौपदी उसने थोड़ी सी जिह्वा को चला दी, उसने इतनी सी बोल दी अंधा का बेटा अंधा होता है। इसलिए यहाँ सावधान करते माताओं को, देखो भैया ये जीवा को हमारे गुरु जी कहते थे देखना हर चीज में हड्डी है, अंगुल में हड्डी है सीधा हो जाता है, हाथ में हड्डी है सीधा हो जाता है, पैर में हड्डी है हम चलते हैं, लेकिन एक चीज में हड्डी नहीं। बताओ तो कहां पर हड्डी नहीं, बोलो जोर से, ये जीवा में हड्डी नहीं। इसलिए देखना ये जीवा चुप होकर के नहीं बैठता है, ये लपर 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 करता रहता है, कुछ ना कुछ ये बोलना चाहता है। इसलिए भैया बोले ये जीवा को हर समय कंट्रोल, माताएं कथा को बीच में कथा नहीं बोलना, इसलिए ये जीवा देखो कथा में बैठ कर भी लपर लपर कर रहे तब भी ये जीवा चुप नहीं रहती है। इसलिए द्रौपदी इतनी बोल दी क्या अंधा का बेटा अंधा। अब देखना परिवार में यही होता है, किसी कारण से बहू का जीव सास का प्रति, नहीं तो सास का जीव बहू का प्रति, थोड़ी स्लीप हो गया, थोड़ी सी मुंह से कोई बोली निकल गई, देखना हमारे घर में भी महाभारत शुरू हो जाती है। इसलिए शिक्षा देते भैया ये जीवा को हर समय कंट्रोल में रखा करो, जीवा को क्या करो कंट्रोल में रखा करो, बिना कारण के जीवा को मत चलाओ। और हमारे संत लोग तो कहते हैं भैया ज्यादा बोलने की इच्छा है ना,
माला लेकर के भगवान के नाम को जप करो, हरि नाम करो, भगवान की भजन करो। इसलिए आज हम कह रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु, नाम सुने होंगे भगवान ही, राधा कृष्ण दोनों मिल करके हम चैतन्य महाप्रभु का रूप में आए। एक दिन महाप्रभु का भक्तों ने निमंत्रण दिया, प्रभु आज हमारी घर में आपका भोजन है। लेकिन महाप्रभु एक शिक्षा देने के लिए बोले, देखो मैं सबको घर में भोजन नहीं करता हूं। बोले किसको घर में भोजन करते हो, कोई बात मत करो, अब दोनों अलग होकर बैठ जाओ। इसलिए महाप्रभु बोले सबका घर में मैं भोजन नहीं करता हूं। बोले किसको घर में भोजन करते हो, बोले जो लखपति बनेगा, लखपति आज से 5.5 साल पहले, उसी समय लखपति कोई साधारण बात नहीं था, जिसको घर में 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा हो वही लखपति था। ये लखपति कोई साधारण बात थी नहीं, भक्त लोग तो दुखी हो गए। बोले प्रभु आप 1,00,000 की बात करते हो, हमारे घर में 100 रुपया तक भी नहीं। 100 रुपया मतलब क्या है, जिसको घर में 100 स्वर्ण मुद्रा हो, क्या हमारे घर में आप भोजन करोगे नहीं। देखो ठाकुर जी क्या समझाए, भक्त लोगों को बैठाया समझाया। बोले जानते हो असली लखपति कौन है, बोले कौन है, बोले जो रोजाना 1,00,000 ठाकुर जी को जो नाम जप करते हैं वही असली लखपति। इसलिए मीरा कहती हैं, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, जिन जिन न यह मोती लोटे वो सब माला माल हुए, माया के जो बने पुजारी आखिरी कंगाल हुए, सोना चांदी माया बालो मैं समझाऊं गली गली, राम पे कोई बाज लगाऊं। आप लोग सब भजन को गाते हो सब जानते हो आप लोग, इसलिए मीरा कहती है असली लखपति कौन है। बोले रोजाना जो 1,00,000 ठाकुर की नाम जप करते हैं वही असली लखपति है, हैं वही असली लखपति है। इसलिए अब मेरे तरफ में देखो, लखपति कैसे बनोगे, ये अमिताभ बच्चन का नाम जानते हैं ना, अमिताभ बच्चन का नाम सुने होंगे। कुछ दिन पहले टीवी में आता था कौन बनेगा करोड़पति, सुने कि नहीं, कौन बनेगा, महाप्रभु कहते हैं कौन बनेगा लखपति। अब देख लो आप लखपति कैसे बनोगे, देखो इसे माला है, ये माला में सब सबको एक एक में माला दे करके जाऊंगा, सबके सब हरि नाम करना, ठीक है। देखो लखपति कैसे बनोगे, जैसे ये जो अंगुल को ये माला में हम नहीं लगाते हैं, क्यों, ये गंधा अंगुल है, ये सबसे पहले निकलता, हम कहते ना तेरे को हम देख लेंगे, तेरे को हम देख लेंगे, ये काम क्रोध का प्रतीक है, इसलिए ये अंगुल को हम सीधा रखते हैं, और बीच वाले अंगुल को ऊपर रख करके आप लोग मेरे साथ में बोलो, हाथ उठा करके बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कितना बार हो गया, 16 बार हो गया, एक मोती सरकते ही 16 बार, दूसरा मोती में दोनों 16 बार, जब करते करते यहाँ जब खत्म हो जाएगा इसको पार नहीं करना, ऐसे घुमा दीजिएगा, घुमा करके फिर दूसरे तरफ करने का, ठीक है। आज हम बैठ करके 5 मिनट हरिनाम जप करेंगे, हैं हरिनाम ठाकुर का नाम जप करेंगे, यही हमारी अंतिम समय में काम में आने वाली। अगर ऐसे 16 माला कर लिया ना हो जाता है 25,000, अगर हमने 64 माला कर ली इसका हो गया 1,00,000। भगवान खुद कहते हैं तुमने 1,00,000 माला नहीं जप की, आज तेरे नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट हो गया, भगवान खुद कहते फिक्स डिपॉजिट हो गई। बोले भैया इसकी ब्याज कितना मिलेगी,
बोले दीना दीना बड़ा ता सबायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आज अगर 1,00,000 नाम किया तो कल कल तुम्हें 1,25,00,000 मिलेगी और 4 दिन में 2,00,000। 4 दिन में ये कहां पर डिपॉजिट हो रहे हैं? ऊपर में ठाकुर जी को पास में डिपॉजिट हो रहा है, ये सारे माल डिपॉजिट हो रहा है। देखना हम तो हिंदू है ना हम लोग। अब देखना जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ेगा, जब उसको 4 व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, आप लोग सुने हो क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? अरे जोर से बोलो, यही बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा, ये बोलते हैं ना। किसको सुनाते हैं? ऊपर जो लेटा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? बोले देखो जीवन में जितने तुमने राम के नाम, जितने तुमने कृष्ण का नाम लिया, वही तेरे साथ में जा रहा है। इसके सिवाय तुम्हें दुनिया में जो कुछ इकट्ठे किए हो, यहां से एक सुई धागा भी तेरे साथ नहीं जा रही। पत्नी जाएगी तो रो रो कर दरवाजा तक जाएगी, उसको आगे नहीं जाएगी। परिवार वाले जाएंगे तो कहां तक जाएंगे? शमशान तक जाएंगे, उसको आगे तुम्हारे साथ में कोई नहीं जाने वाले। आगे जाएगा तो कौन जाएगा? मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जितने प्रभु का नाम जब करेंगे ना वही जाएगा। इसलिए यहां शिक्षा देते हैं, अगर तुम्हारे पास में समय है, तुम्हारे पास में समय को बर्बाद नहीं करते हुए क्या करो, बैठ करके भगवान की माला को जप करो, ठाकुर जी की माला जप करो, यही धन ही हमारी काम में आएगा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए जिस समय श्री परीक्षित महाराज अपना मातृ गर्भ में था, अस्वस्थ माने ब्रह्मास्त्र चलाया, बोले पांडवों को मैं निर्वंश कर दूंगा, लेकिन जाके राके साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगह बैर होई। इतने में उत्तरा ने कृष्ण की शरण में चले गए, बोले प्रभु मैं मर जाऊं कोई चिंता नहीं, लेकिन मेरी गर्भ में जो पांडव का जो धरहर रूप में जो संतान है, अगर ये मर गया तो वंश निर्वंश हो जाएगा। इतने में भगवान उत्तरा के गर्भ में ठाकुर जी प्रवेश करते हैं और गदा घुमा घुमा करके उन्होंने ब्रह्मास्त्र को निस्तेज करके उन्होंने परीक्षित महाराज को उन्होंने बचाया। गर्भ में परीक्षित महाराज ठाकुर का दर्शन किए थे, इसलिए जब जन्म हुए ना वो सबको परीक्षा कर रहे थे। मैंने जो काले काले मुरली वाले को मैंने गर्भ में देखा वो कहाँ है, सबको परीक्षा कर रहे थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया परीक्षित महाराज की। इसलिए भागवत का जो श्रोता है वो साधारण व्यक्ति नहीं, जिन्होंने मातृ गर्भ में ठाकुर को दर्शन किए। बोले भागवत का वक्ता कौन है? बोले श्री सुखदेव गोस्वामी। मातृ गर्भ में जो 16 साल तक रहे और जन्म होते ही बोले जम प्रभजंतम अनुपेतम अपेत कृतम, जिनकी उपनयन संस्कार भी नहीं हुई, जन्म होते ही संन्यास लेकर के चले गए और ब्रह्म में डूबे हुए थे। लेकिन भागवत कथा की इतने महिमा है, ऐसे परम ब्रह्म ज्ञानी श्री सुखदेव गोस्वामी, जब कृष्ण कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर है। इसलिए कहते हैं ना, बांके बिहारी की देखे छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। हाँ, इसलिए हमारे बांके बिहारी इतने सुंदर है, जब उन्होंने एक श्लोक सुने ठाकुर जी कितने प्यारे हैं हमारे। इसलिए गोपियां कभी कभी कृष्ण को ताना मारते हैं, बोले नंदलाला तू यदि हो तो लाली गला कट जाती कर्ण की, अच्छा हुआ तेरे को लाली नहीं बनाकर लाला हो गया, अगर तू लाली होती ना इतने सुंदर, तुम इतने सुंदर सारा दुनिया तेरे पीछे मर जाते। जब श्री सुखदेव गोस्वामी कृष्ण की सुंदरता को दर्शन की, वो जो ब्रह्म में डूबे हुए थे निकल करके आ गए, बोले भैया ये श्लोक कहां से मिले? बोले मेरे गुरुदेव ने कहा, मेरा कहिए कि तोता उड़ते हुए चला गया, उसको पकड़ करके लाओ। मैंने कहा जंगल में बहुत सारी तोता, तुम्हारी तोता का लक्षण क्या था बताओ? बोले मेरे तोते को पकड़ने का जरूरत नहीं,
ये मंत्र सुन करके अपने आप जो पकड़ में आ जाए वही मेरे तोता है। बोले भैया मैं वही तोता हूँ, लेकिन वो तो देखने में बड़े सुंदर ठाकुर जी, लेकिन ऐसे नहीं, अभी तो मैं किसी की नौकरी कर रहा हूँ, किसकी, ब्रह्म की, उसकी नौकरी छोड़ करके अगर बांके बिहारी की नौकरी करूं, अगर बीच में छोड़ दिया तो, अगर मेरे को वो ठोकर मार दिया तो फिर क्या होगी, उसकी कोई गुण है कि नहीं। दूसरे चेला ने बताए, बोले अहो बकियम स्तन काल कूटम जिज्ञासया अपि असाब्दी। बोले कृष्णा इतने दयालु कन्हैया, बोले गुना अब गुना प्रभु देखा ओ न काहू। हमारे कन्या तो किसकी अपगुण का प्रति नजर ही नहीं देते हैं। पुतना बच्चों को खून पीने वाली, राक्षसी भगवान के लिए जहर लेकर गई थी, लेकिन हमारे कन्या इतने दयालु, इतने दयालु, उन्होंने किसी चीज को उन्होंने नहीं देखा। वो जो माँ की रूप धारण करके गई थी, इतने में ठाकुर जी रीझ गए। ए सुखदेव गोस्वामी सुनते ही हाथ उठा करके कम्बा दयालु शरणम ब्रजेमा, ऐसे कृष्ण को छोड़ करके और हम किसको भजन करें, सब छोड़ छाड़ करके कहां पर आए। भागवत ग्रंथ को उन्हें अध्ययन की, इसलिए भागवत का श्रोता जैसे श्रेष्ठ है, वक्ता भी कम नहीं परम ब्रह्म ज्ञानी श्री सुखदेव गोस्वामी। बोले श्री सुखदेव महाराज की जय। इसलिए अभी भगवान द्वारका में बहुत दिन तक रह चुके, हस्तिनापुर में बहुत दिन तक रह चुके हैं। जब जब कृष्ण जाने के लिए तैयारी होते हैं, वो पांडव लोग कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं। बोले कृष्णा जब हमारे ऊपर में विपत्ति पड़ी, कितने तुमने मदद की, अभी तो संपत्ति आ गया, अभी तो कुछ दिन रह करके सेवा का स्वीकार करो। कृष्ण को जाने ही नहीं थे। एक दिन मैया कुंती आकर के कृष्ण को स्तुति करती है, बोले नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिनी, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रय। भगवान के सारे स्वरूप को उन्होंने कमल, कमलों को साथ में उदाहरण दिया। भगवान के शरीर में 8 कमल है, देखो गिन लो, 2 हस्त कमल, 2 चरण कमल, 2 नेत्र कमल, 1 मुख कमल और 1 नाभि कमल। भगवान को ये कमलों को साथ में क्यों उदाहरण दिया, बोले जो कमल है वो देखने में बड़े सुंदर है, और हमारे जो ठाकुर जी है ना वो देखने में बड़े सुंदर ठाकुर जी, इसलिए उनको कमल को साथ में उदाहरण दिए। जब इतने में जब मैया कुंती स्तुति कर रही थी भगवान को, कृष्ण बोले बुआ जी तू तो आज उल्टा गंगा बहा रही हो, मैं तो तुम्हारी भतीजा हूँ, मुझे तुम्हें स्तुति करनी चाहिए, तू तो मेरे को स्तुति कर रहे हो। बोले कन्या तेरी तो यही माया है, कहाँ विश्व ब्रह्मांड के मालिक तू हो, किसको बुआ, किसको तुमने चाचा, किसको तुमने भैया, किसको बना करके माया के जाल में तू तो डाल कर रखे हो। बोले कन्या तेरे माया को समझना बड़ा कठिन है, इसलिए एक समय तुम गोकुल में कभी मक्खन चोरी की, मैं उस समय में था। इतने में मैया जसोदा हाथ में छड़ी लेकर के तेरी पीछा की, ए तेरे को पकड़ ली, और उसी समय में तू सिसक सिसक करके रो रहा था, आंखों से असुर की धारा बह रही थी, और तू थर 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 कांप रहा था। बोले मैया मेरे को मारो मत, पहले तुम ये छड़ी को फेंक दे, छड़ी को फेंक दे। उस समय मैं भी थी, मैं देख करके बोले हे भगवान कहां विश्व ब्रह्मांड का मालिक, जिनकी काल अगर कृष्ण थोड़ी टेढ़ी नजर कर देना काल भी थर 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 कांप जाते हैं, लेकिन आज मैया के डर से थर थर कांप रहा है। बोले कन्हैया तेरे माया को समझना बड़ा कठिन है, हैं? बोले बुआ जी आज तू मेरे पास में जो कुछ मांगना मांग ले। देखो मैया कुंती क्या चाहती है, हैं? बोले विपति संत ने साक्षात तत्र तत्र जगत गुरु। हम लोग ठाकुर से क्या मांगते हैं, सुख संपत्ति आवे, कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरे। हम बोलते हैं ना सुख संपत्ति आवे, लेकिन यहाँ पर देखो मैया कुंती क्या चाहती है, बोले प्रभु मेरे झोली में विपत्ति भर दो,
बोले बुआ जी दुनिया मेरे पास में संपत्ति चाहते तो विपत्ति क्यों चाहते हो? हाँ ध्यान देकर सुना। बोले कन्हैया सुख में है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सोच सुमिरन करे दुख काहे को आए। कहते सुख के माथे सील पड़े जो राम हृदय से जाए, बलि हरि और दुख को जो पल पल नाम जपाए। आप लोग सही सही बताओ तो, दुख में ज्यादा ठाकुर का स्मरण होता है ना सुख में? अरे बोलो सुख में ज्यादा स्मरण करते ना दुख में करते हैं? अब बोलो ठीक से, देखना कोई सुख में ठाकुर को स्मरण नहीं करते हैं, जब दुख पड़े ना ठाकुर जी बचाओ ठाकुर जी बचाओ। इसलिए मैया कुंती कहती है बोले प्रभु चार तरह का व्यक्ति तेरे भजन नहीं करेंगे। बोले कौन कौन? बोले जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी रे दमान मद अपमान, ये चार व्यक्ति को अंदर में अभिमान है। बोले कौन? बोले जिसको पास में थोड़ा ज्यादा पैसा हो जाए। बोले मेरे पास भी किस चीज की कमी? भगवान की भजन करेंगे क्या जरूरत भगवान की भक्ति करने का? क्योंकि अहंकार आ जाता है ना। अगर देखने में जिसकी चमड़ा थोड़ा सुंदर हो, हीरो हीरोइन हो, बोले भैया ठाकुर को भजन नहीं करेंगे। थोड़ी जिसको थोड़ी सी ज्ञान पढ़ाई लिखाई ज्यादा हो जाए, बोले तेरे भजन नहीं करेंगे। हैं जिसको उच्च कुल में जन्म हो जाए, बोले प्रभु ये व्यक्ति तेरे भजन नहीं करेंगे ठाकुर जी। हाँ अगर किसको पास में है तब भी भगवान की भक्ति करता है, समझना ठाकुर जी की उनके ऊपर बड़ी कृपा है, ठाकुर जी की बड़ी कृपा उसको ऊपर में। इसलिए ठाकुर जी मेरी झोली में विपत्ति भर दो, है विपत्ति भर दो। अभी पितामह भीष्म सर सज्जा में लेट हो गए, इनकी भी इच्छा है अंतिम समय में ठाकुर को स्मरण करते करते जाऊं। ठाकुर वहां पर भी गए, जा करके पितामह भीष्म बोले प्रभु जी मेरी एक बेटी है, अगर किसकी घर में बेटी युवती हो गई शादी के लायक, लेकिन अभी तक तो बेटी की शादी नहीं हो रही है। पिताजी बड़े चिंता करते हैं ना बेटी की हम शादी कैसे करें। बोले प्रभु मेरी एक बेटी है, जिंदगी भर उसके लिए मैंने पति में ढूंढा हूं, अभी तक उसको उपयुक्त तो पति अभी तक मिले नहीं। ठाकुर जी बोले तुम्हारी बेटी कहाँ से आ गई? पितामह भीष्म है ना, इनका नाम भीष्म क्यों पड़ा? उन्होंने प्रतिज्ञा की थी जिंदगी में कभी मैं शादी नहीं करूंगा। बोले तुम तो आकुम और ब्रह्मचारी, बोले तेरे बेटी कहाँ से आ गई? बोले इति मति रूप कल्पित वितृष्णा, बोले प्रभु मेरी जो मति है ना, मेरी जो बुद्धि जो मन, यही मेरी बेटी है, इसके लिए मैंने दुनिया में पति को ढूंढा, लेकिन ये पति नहीं मिले। पति उपयुक्त पति कौन? बोले भगवान है। मतलब क्या है? अगर ये मन को हम ठाकुर जी के चरण में लगा दे तभी तो मन की गति होगी ना। इसलिए कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? बोले जम जम व्यापी शरण भाव त्यजन्ते अन्ते कलेवरम तम ताम एव कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। भगवान कहते हैं अंतिम समय में जैसे सोचते सोचते हम प्राण त्याग करते हैं हमें गति भी वैसे मिलती है। इसलिए प्रभु मैं चाहता हूं अंतिम समय पर अपना मन को आपकी श्री चरण में लगा दूं। प्रभु मेरे सामने खड़े हो जाओ। देखो ठाकुर जी सामने खड़े हुए, पितामह भीष्म जी भगवान को बड़ी सुंदर सुंदर उन्होंने अद्भुत उन्होंने स्तुति की है ठाकुर जी को। स्तुति करते करते ठाकुर जी को दर्शन करते करते अंतिम श्वास को त्याग दिया। जब अंतिम श्वास त्याग दी देवता लोग दर्शन करते आश्चर्य हो गए। बोले क्यों? बोले जनामा जनामा मोनी जाता न कराई अंतरामा कहिया बतनाई। देखो एक अच्छी चीज को समझो, आप लोग हिंदी समझते हो सब? कौन कौन हिंदी समझते हो? सब समझते हो। देखो गोस्वामी जी ये प्यारे में दो चीज समझाए, अच्छी तरह समझो। कहते जन्म जन्म मुनि जतन कराई। कभी बोलो ना भगवान की भजन करने के लिए, लोग बोलते अभी क्या भजन करेंगे, ये कोई उम्र है भजन करने का? जब रिटायर्ड लाइफ भी होगा तब तो भगवान की भजन करेंगे, अभी से क्या भगवान की भजन करें?
लेकिन देखो गोस्वामी जी क्या कहते हैं, बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराई। ये मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक जतन करते हैं कैसे अंतिम समय में प्रभु का नाम निकले, लेकिन कहते हैं तब भी अंतिम समय में प्रभु का नाम मुंह से नहीं निकलता है, हैं? अंतिम समय में ठाकुर जी की नाम नहीं निकलती, इतनी दुर्लभ है भगवान की नाम। भैया जो जतन करते तभी नाम नहीं निकलता है, अब बिना जतन से कैसे नाम निकलेगा। हाँ देखो दूसरा अर्थ देखो, बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराए। जब मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक जतन करते हैं तब अंत राम कही, तब भी अंतिम समय में राम का नाम तब भी आएगा, क्योंकि जिंदगी भर जो काम करोगे अंतिम समय तो वही आएगा ना। अभी जिंदगी में रील में जो भरा हुआ होगा वही तो निकलेगा। अगर जिंदगी भर कचड़ा भर दिया, दुनियादारी भर दिया, अंतिम समय में बोलेगे प्रभु को याद आए, भैया याद कैसे आएगी। इसलिए क्या करनी चाहिए, भगवान की भक्ति। प्रहलाद महाराज बच्चों को कहते हैं कौमार आचरित प्राज्ञम, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनको 5 साल उम्र से भगवान की भक्ति कर लेनी चाहिए, है शुरुआत कर लेनी चाहिए, है क्योंकि जैसे कच्चा बांस को जिधर टेढ़ा करो ना टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन बांस जब पक जाए ना पर वो टेढ़ा नहीं होता है। फूल जब खिला हुआ हो उसको ठाकुर जी के चरण में चढ़ा सकते हैं, लेकिन फूल जब मुरझा जाए फिर ठाकुर के चरण में नहीं चढ़ती है। मिट्टी जब कच्चा हो, कच्चा मिट्टी से तो हम कुछ बना सकते हैं, लेकिन मिट्टी जब पक जाती है ना आप देखना मिट्टी से फिर कोई चीज नहीं बनती है। इसलिए भगवान की भक्ति बचपन से शुरू करो। आप बताओ मीरा कितने उम्र से भजन की थी, मीरा कितने उम्र से, बचपन से की ना। ध्रुव प्रहलाद बचपन से, हनुमान जी बचपन से। इसलिए जो भगवान की भक्ति इसको बचपन से ठाकुर जी की भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ देखो कल भागवत कथा में चौथा दिन है और चौथा दिन में भगवान कृष्ण जन्म ग्रहण करते, ठाकुर जी जन्म चौथा दिन में है। कल भगवान कृष्ण का जन्म तिथि है। जब मैया जसोदा गर्भ धारण की, जितने ब्रज की गोपियां थी ना वो 6-6 महीना पहले 84-84 गज की लहंगा और चुंदरी बना कर रखे, बोले भगवान आएंगे इसको पहन करके हम बधाई देने जाएंगे। इसलिए कल भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले जितने माताएं हैं ना, आप उसी दिन कलश यात्रा में आई थी ना, बड़े सद्धज करके आई थी, इसलिए बड़े सुंदर सुंदर कपड़ा पहन करके, अगर हो सके कोशिश करना पीला रंग का कपड़ा हो तो बहुत बढ़िया हो, हैं? पीला रंग की, पीली रंग की कपड़ा और सद्धज करके और आना कल बड़े धूमधाम से नंद के आनंद भाई हो। जय कन्हैया, और जोर से बोलो जय कन्हैया। हाँ कल बड़े धूमधाम से भगवान की हम यहाँ पर जन्मोत्सव मनाएंगे। कल भगवान वामन देव, नरसिंह भगवान, कल सारे भगवान जन्म लेने वाले, ठीक है। और एक एक माताएं, कितने कितने माताओं को साथ मिलाओगे बोलो। इसलिए हमारे बड़े गुरुजी कहते थे एक एक माताएं 10-10 माताओं को लेकर के आना। गुरुजी कहते थे जिसको लेकर के आओगे ना उसको जो पुण्य मिलेगी लाने वाला को आधा पुण्य उसको मिल जाएगी, इतने महत्व कथा में जिसको लेकर के आओगे, ठीक है। इसलिए कल सत धज करके, और ये जो कथा हो रही है ये आप लोगों की कथा है, आप लोग सब मिलजुल करके ही कथा कर रहे हो, इसलिए हो सके तो घर से जैसे बच्चे का बर्थडे में कुछ टफी कुछ मखोना, यहाँ पर जो खिलौना हम लुटाते हैं ना, अगर हो तो थोड़ी थोड़ी लेकर के आना। जैसे भगवान की जन्म उत्सव में मनाओगे तो एक दिन ठाकुर ही तुम्हारी घर में तुम्हारी लाला बनकर आने वाले, ठाकुर जी तुम्हारी बेटा बनकर के दिन ठाकुर जी बनकर आ जाएंगे। इसलिए कल बड़े धूमधाम से हम लोग जन्म महोत्सव को मनाएंगे। बोले श्री नंद के लाला की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले जय जय श्री राम। इसलिए पितामह भीष्म जी अंतिम समय में शरीर त्याग की, देवतालों को आकाश से पुष्पों की बौछार की,
बोले श्री पिता महाभीष्म की। इतने में कृष्ण बोले भैया अभी तो मेरे को विदा दो। अर्जुन कृष्ण को लेकर के द्वारका में गए, लेकिन 7 महीना हो गया वापस नहीं आए। युधिष्ठिर महाराज बड़े अपशकुन देख रहे थे। इतने में देखा अर्जुन को आते हुए सारे चेहरा उतरा हुआ था। बोले अर्जुन क्या हो गया? बोले भगवान कृष्ण ये जगत छोड़ करके ठाकुर जी, संसार छोड़ करके ठाकुर जी चले गए। इतने में अर्जुन बड़े दुखी दुखी होकर के अर्जुन जी रो रहे थे। बोले भैया तुम्हें पता होगा। बोले किस चीज की? बोले जब जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आई है, ठाकुर जी हमें हर विपत्तियों से ठाकुर जी हमें रक्षा किया है। जिस समय वस्त्र हरण हो रही थी, वस्त्र हरण में द्रौपदी के कितने पति थे? द्रौपदी के, अरे बोलो कितने पति थे द्रौपदी के? 5 पति थे। लेकिन कोई पति उसकी काम में आए? अब बोला कोई पति उसके काम में आए, कोई रक्षा किए? लेकिन रक्षा की तो किसने किए हैं? भगवान श्री मुरली वाले ने, ठाकुर ने रक्षा किए हैं। और कोई भी द्रौपदी को रक्षा नहीं की हैं। बोले आपको याद होगा। बोले किस चीज की? बोले जिस समय हमारी वनवास हो गया, तब भी दुर्योधन का जी नहीं भरा। हमारा वनवास होने का बावजूद भी दुर्योधन ने जान से मारने के लिए कोशिश की। इन्होंने दुर्वासा जी को भेज दिए। ये दुर्वासा जी शंकर जी के अवतार है। ये दुर्योधन को पता था ये द्रौपदी को पास में एक पात्र रखा हुआ है, जिसको सूर्य देव ने प्रदान की थी। उनका वरदान था जब तक द्रौपदी नहीं भोजन करेगी तब तक विश्व ब्रह्मांड को खिला देगी। लेकिन जब द्रौपदी भोजन कर लेना, फिर वो किसी को भोजन नहीं करा सकती है। इतने में दुर्वासा जब द्रौपदी भोजन कर ली, दुर्वासा जी वहां पर पहुंचे 10,000 शिष्यों को लेकर के। युधिष्ठिर महाराज तो कांप उठे। बोले ये दुर्वासा नहीं, ये साक्षात काल है, साक्षात ये काल आ गए। इतने में द्रौपदी आंख बंद करके ठाकुर को स्मरण किया, ठाकुर जी आप ही हमें हर विपत्ति में रक्षा की है। अभी तेरे भक्त पांडवों को पर भी विपत्ति पड़ी है, ठाकुर जी कृपा करके इनको भी रक्षा करो। जब द्रौपदी भगवान को याद की, भगवान स्वयं यहाँ पर प्रकट हो गए। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए कहते हैं ना, कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी जैसे तुम, बोलो जोर से, द्रौपदी जैसे तुम बुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, ब्रज गोपियां जैसे तुम नचाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोले सबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं। ठाकुर जी सब कुछ करते हैं। अगर ठाकुर को हम हृदय से स्मरण करना, ठाकुर जी हर समय हमें रक्षा करने के लिए ठाकुर जी तैयारी है। ठाकुर जी बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए श्री परीक्षित महाराज को युधिष्ठिर महाराज राज्याभिषेक करके चले गए। एक दिन परीक्षित महाराज बड़े अपशकुन देख रहे थे। जब उन्होंने चतुरंगिणी सन्नी को लेकर गए, प्राचीन नदी किनारा में एक अद्भुत घटना देखा। बोले क्या देखा? बोले एक गैया बड़ी दुखी होकर के रो रही है। देखा एक बैल का 4 प्यार नहीं, वो 1 प्यार में खड़ा हुआ, और एक शूद्र राजा वो 1 प्यार को तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा था, और वो जो बैल वो बिष्टा मूत्र को विसर्जन करके रो रहा था। परीक्षित महाराज को बड़ा क्रोध आया। बोले मेरे देश में गाय गो माता है ना, गैया को शरीर में 33 करोड़ देवता की विद्यमान है। बोले मेरे देश में गैया के ऊपर अत्याचार, मयान से तलवार निकाल कर झपट पड़े। वो स्वयं कली था, सीधा परीक्षित महाराज को चरण में लेट गया। बोले तू कौन हो? बोले मैं कली हूं। बोले ये कौन जो रो रही है गैया? बोले ये पृथ्वी। बोले ये क्यों रो रही है? बोले कृष्ण चले गए, कलियुग आएगा, कलियुग में लोग बड़े पाप कर्म करेंगे। बोले ये पृथ्वी के ऊपर जो पाप कर्म होगी, ये पृथ्वी दुखी हो रही है, ये पाप को मैं कैसे सहन करूं? बोले ये बैल कौन? बोले धर्म। बोले इसकी 3 प्यार गया कहां? बोले धर्म का 4 चरण है,
सत्य त्रेता द्वापर ये तीन युग चली गई। अभी केवल कलियुग है, धर्म एक चरण में खड़ा हुआ। बोले तू कौन? बोले कली। बोले तू क्या कर रहे हो? बोले मैं चाहता हूं कलियुग में कोई धर्म कर्म नहीं रहे, सब पापी पापी हो जाए, दुनिया में पाप भर जाए। परीक्षित महाराज बोले मैं जब तक हूं तेरे को यहां रहने नहीं दूंगा, जान से खत्म कर दूंगा, मेरे सामने तू हट जा अभी, नहीं तो जान से मार डालूंगा। बोले मैं कहां जाऊंगा? बोले तेरी इच्छा जहां पर चली जा, मैं रहते समय कली का कोई स्थान नहीं। बोले आप तो सबको स्थान दिया, मेरे को भी स्थान दो। परीक्षित महाराज सोच रहे हैं इसको स्थान दू कि नहीं दू। बोले यद्यपि कलियुग में अधर्म अधर्म है, बोले कले हृदय राजन अस्ति एक महान गुण। कलियुग में सारे पाप ही पाप तो है, लेकिन कलियुग में एक गुण भी है। बोले क्या है? बोले हरे नामानु कीर्तन। कलियुग में थोड़ी सी हरि का नाम कीर्तन कर दो ना, बस मुक्ति हो जाएगी। कलियुग में ज्यादा परिश्रम की जरूरत नहीं, केवल हरि का नाम कर लो थोड़ी सी। एक बार हाथ उठा करके मेरे साथ में बोलो सबके सब। देखो अगर एक बार नाम करेंगे ना, यहाँ कितने भक्त बैठे हुए, कम से कम 200-250 भक्त बैठे हैं। नाम तो एक बार करोगे, लेकिन एक बार तो नाम करने पर नाम सबको कान में जाएगी। नाम तो एक बार करोगे लेकिन 250 नाम करने का फल मिलेगा। और जो नाम नहीं करेगा ना, जो करेगा उसको पाप तो उड़ जाएगी, लेकिन बैठेगा कहां पर जो करेगा नहीं। इसलिए जोर से बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार करो जोर से, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोले हरि नाम संकीर्तन की, बोले सचिनंदन गौर हरि की। हाँ ध्यान देकर सुना। उन्होंने बोले कलि युग में उन्होंने चार जगह पर कलि को स्थान दिया। मतलब है कलि युग में अगर ये चार नियम को कोई पालन करे, जैसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास में जाओ, आपको कोई कठिन बीमारी, जो सही डॉक्टर होगा ना बोलेगा देख भैया तेरे को तो बढ़िया दवा दे रहा हूं, लेकिन ये परहेज को साथ में दवा लोगे जल्दी तुम्हारी बीमारी सही हो जाएगी। इसलिए कलियुग में दवा किया है, बोले ठाकुर का नाम सबसे मीठी दवा है। बोले इसका परहेज किया है, बोले चार नियम है, केवल चार नियमों को पालन करते हुए हरिनाम करो। ध्यान देकर सुनो, पहला नंबर है दुतम। दुतम मतलब होता है जुआ। बोले कभी जुआ नहीं खेलनी चाहिए। स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर कहते देखो मैं धर्म स्वरूप हूं, देखो मैंने जुआ खेल कर कितने सत्यानाश मरी हुई है, राज्य गया, भाई गया, भरी सभा में द्रौपदी की वस्त्र हरण देखना पड़ा, फिर 12 साल तक जंगल में भटके और 1 साल तक विराट राज्य में राज्य दासत्व करना पड़ा। अब देखे होंगे महाभारत है ना, कद अगर कोई जुआ खेलेगा ना भैया, जुआ खेल कर कभी कोई बड़े आदमी हुए ही नहीं। इसलिए कभी कहते भैया जुआ मत खेलो, जुआ खेलने से पहला का धर्म का पहला चरण सत्य खत्म हो जाएगी। जो जुआ खेलेगा देखना कभी सच नहीं बोल सकता है। दूसरा है पानम। पानम का मतलब होता है किसी तरह का नस्ली वस्तु मत लो, जैसे पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग शराब गुटका ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए हैं। इसलिए गुटका फुटका इसको भी, इसलिए गुटका का पहला अक्षर क्या है? बोलो गुटका का पहला अक्षर क्या है? अरे बोलो जोर से, कोई बोल नहीं रहे हो। इसलिए ये अच्छी चीज नहीं है। जिसने ये गुटका का कंपनी खोला था ना, वो स्वयं कैंसर में मरा है। आप पता लगा के देखो, स्वयं तो मरा और दुनिया को मरवा कर गया। और शराब खराब ये सब चीज को नहीं पीनी चाहिए। संत लोग कहते हैं जो शराब पीता है ना उसको 3 लाभ है। कितना लाभ है? कितना लाभ है? क्या क्या लाभ सुन लो। पहला लाभ है वो व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं बनेगा।
बोले बूढ़ा बनेगा नहीं मतलब क्या, बोले जिंदा रहे तब तो बूढ़ा बनेगा, वो तो पी पा करके आधा उम्र में खत्म हो जाएगा, फिर बूढ़ा कब बनेगा। दूसरा लाभ किया, बोले उसकी घर में चोरी नहीं होगी, बोले चोरी कब होगा, घर में कुछ हो तभी तो चोरी होगी, वो पहले तो बेच बाच कर पी पा कर खत्म कर देगा, चोरी किस चीज होगा। फिर तीसरा लाभ क्या है, बोले कुत्ते दोस्त बनेंगे, मतलब क्या, कहीं पी पा कर पड़ा रहेगा, कुत्ते आकर मुंह में पेशाब कर जाएंगे। इसलिए ये सब गंदी चीज से हमें दूर रहनी चाहिए। इसलिए भाई लोगों को समझाना, अगर जैसे कोई ये सब गंदी चीज को ग्रहण नहीं करे। तीसरा नंबर है स्त्रियों, बोले स्त्रियों को ऊपर में कली का निवास। बोले भैया कौन सा स्त्रियों को ऊपर में, बोले जो अवैध रूप में पुरुष और स्त्री मिलते हैं, संसार करो, शादी करके धर्म पत्नी को साथ में ही घर गृहस्थी बैठाओ, बगैर शादी के अवैध रूप में जो पुरुष स्त्री स्त्री से मिलते हैं ये पाप का स्थान है, इसमें पवित्रता नष्ट हो जाती है। चौथा जो चीज जीव हिंसा, जीव हिंसा में जैसे मांस है, मछली है, अंडा है, और ये प्याज लहसुन भी अच्छी चीज नहीं है, हैं? इसलिए ये सब चीज से हमें दूर रहनी चाहिए। कहते केवल ये चार नियमों का पालन कर लो और थोड़ी सी भगवान का नाम कर दो तो बस ठाकुर जी के चरण में हमें स्थान मिल जाएगी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन जब परीक्षित महाराज ने ये कली को चार जगह दे दिया तभी ये खुश नहीं हो रहा है, बोले मैं कहाँ कहाँ ढूंढू, ऐसे एक स्थान दो जहां पर सब मिल जाए, तो उनने सुवर्ण में स्थान दे दिया। मतलब है जहां ज्यादा पैसा हो ना, आप देखना जितने सारे अधर्म वहीं पर चल जाती है। ये पैसा में इस सारे दोष दिखाया, लेकिन यहाँ प्रश्न होता है भैया पैसा तो लक्ष्मी है, फिर लक्ष्मी ये दोष कैसे आ गई, लक्ष्मी तो ठाकुर जी की हो ना। हाँ ध्यान देकर सुनो, एक अच्छी चीज को समझो, आप देखना लक्ष्मी की बहन बता सकते हो कौन, बताओ तो लक्ष्मी की बहन कौन है, उल्लू है। जब हम घर में माँ लक्ष्मी को अकेले बुलाते हैं, माँ लक्ष्मी घर में आओ, क्यों आपको हम भोग करेंगे, तब लक्ष्मी वो उल्लू के ऊपर बैठ करके आती है, फिर हमें उल्लू बनाती है मूर्ख। लेकिन उल्लू श्री लक्ष्मी की और एक बहन है, कौन है, एक तो उल्लू और एक है, हाँ एक है गरुड़। आप ध्यान लगा करके देखना, कभी भी माँ लक्ष्मी गरुड़ को ऊपर में कभी अकेली बैठी हुई नहीं देखोगे, बैठेंगे तो श्री नारायण को साथ में। देखो पैसा के बगैर कुछ भी नहीं होता है, लक्ष्मी के बगैर, लक्ष्मी को बुलाओ घर में, क्यों, बोले लक्ष्मी नारायण की है, बोले माँ लक्ष्मी आप आओ, क्योंकि आपकी कृपा के बगैर ठाकुर को तो सेवा हो ही नहीं सकती है, भगवान सेवा तो आपसे होगा ना, इसलिए आओ, ठाकुर जी की सेवा के लिए बुला रहे हैं। फिर लक्ष्मी वो गरुड़ को ऊपर में नारायण को लेकर के आएंगे, ये गरुड़ कहाँ रहते हैं, बोले वैकुंठ में, फिर तुम्हारी घर को गोलोक वैकुंठ वृंदावन बना देंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए यहाँ पर पितामह भगवान की नाभि कमल से श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी को भगवान आदेश दिया ये सृष्टि का क्रम को तुम बढ़ाओ, इसलिए सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की मन से चतुसन सृष्टि हुए। भगवान ने बोले संसार का क्रम बढ़ाओ, बोले पिताजी हम घर गृहस्थ में फंसना नहीं चाहते। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, फिर उनको भुरूर से श्री रुद्रदेव प्रकट हुए, बोले श्री भोले बाबा की। बोले भैया आप भी संसार का क्रम बढ़ाओ, लेकिन शंकर तो जोगी जोगी महाजोगी, जब उनको ध्यान लगे ना शंकर जी की, कल्प कल्प तक इनकी ध्यान लग जाती है। शंकर भी ये माया ममता में फंसना नहीं चाहते, वो डर गए अगर मैं मना कर दूंगा तो पिताजी क्रोधित तो होंगे, तब उन्होंने भूत पिशाच को सृष्टि करना प्रारंभ किया। बोले ये कोई सृष्टि है, चुप रहो, जरूरत नहीं भूत पिशाच को। फिर परछाई से करदम ऋषि को सृष्टि की है, फिर ब्रह्मा जी 10 संतान, फिर ब्रह्मा जी अपना शरीर से मनु और शतरूपा को सृष्टि किए, यहीं से ही ये संसार का क्रम बढ़ा। इसलिए हम लोग कहां से हुए हैं,
श्री मनु महाराज जी, इसलिए हमको कहते हैं मानव। क्या कहते हैं हमको? मानव क्यों कहते हैं? हम मनु महाराज से वंशज रहे, उनका दो बेटे एक उत्थानपात प्रियव्रत, तीन बेटी आकुति देहुति प्रसूति हुए। यहीं से ही धीरे 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 बढ़ते बढ़ते ये संसार में इतने लोग हो गए। इसलिए हमको क्या कहते हैं? मानव कहते हैं। लेकिन ये हमारी साइंस क्या कहता है? डार्विन थ्योरी कहते हैं हमारी जो पूर्वज लोग ना सब बंदर थे। ये बंदर की पूछ कटते 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 जब खत्म हो गया ना, फिर ये इंसान बन गए। लेकिन ये हमारी भागवत रामायण वेद कभी नहीं कहता है हम बंदर से हुए हैं। अगर बंदर से होते तो अभी कितने बंदर घूम रहे हैं देखो, कोई बंदर अभी कोई इंसान बन रहा है? उसी समय एक बंदर क्यों इंसान बन गए? अभी तो कितने सारे बंदर घूम रहे हैं, कोई बंदर फिर इंसान क्यों नहीं बनते? ये बंदर से कभी इंसान नहीं हुए हैं। हमारी हिंदुओं का धर्म कौन सा ग्रंथ है? भगवत गीता है। आप गीता को पढ़ करके देखो कृष्ण क्या कहते हैं, बोले ममई बांस जीव लोके जीव भूत सनातन। गीता कहता है, कृष्ण कहते हैं अर्जुन जगत में जितने जीव मेरे संतान हैं, पिता अहमस्य जगत दाता माता पिता मह, भगवान कहते हैं सबका पिता मैं हूं। इसलिए हम लोग कहते हैं ना तुमैव माता च पिता तुमैव, उसके बाद में बोलो, उसके बाद में तुमैव सर्वम मम देव देव, हम भगवान ही हमारे पिता है। आप देखो क्रिश्चियन का बाइबल पढ़ करके देखो, वहां पर लिखा हुआ गॉड क्रिएटेड मैन इन ओन इमेज, ये बाइबल कहता है, ये क्रिश्चियन का ग्रंथ कहता है भगवान ने अपना जैसे इंसान बनाया। कुरान पढ़ लो मुसलमान का ग्रंथ, वहां पर लिखा हुआ अल्लाह ने अपना जैसे सूरत इंसान को दिया। ये डार्विन फिर ऐसे क्यों बोला? ये डार्विन मरने से पहले बोल कर गया, ये सरकार मेरे को जोर जबरदस्ती किया था, प्रूव करके दिखाओ जे ये बंदर से इंसान हो गया। क्यों? लोग फिर नास्तिक हो जाएंगे, भक्ति नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग सबके सब कौन है? हिंदू है। हम लोग कौन है? हिंदू है। देखना आप सबका गोत्र है कि नहीं? आपका गोत्र क्या है? जोर से बोलो, क्या गोत्र है? जोर से बोलो, भारद्वाज। और आपका गोत्र क्या है? देखना हम भारत में सबका गोत्र है ना, ये गोत्र कहां से आया? जिस ऋषि से हम लोग आए हैं वही ऋषि हमारी गोत्र है, वही ऋषि हमारी हो गई गोत्र। इसलिए कोई बोलता है मंकी हमारी गोत्र, बंदर हमारी गोत्र है, भैया बंदर हमारी गोत्र नहीं, हमारी गोत्र श्री अच्युत गोत्र, हम ऋषि मुनियों का वंशधर है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, माइक ले लो। इसलिए हमारे अभी हमारे बीच में प्रभु जी आपको भागवत में एक प्रसंग है, ये अजामिल का कथा है, जिस कथा में समझाया अगर भगवान के नाम को किसी तरह से अगर मुंह से निकल जाए, ठाकुर का नाम किसी तरह से, ठाकुर का अगर नाम निकल जाए ना, प्रभु का नाम में कितने शक्ति है, ये नाम की महिमा उसमें बताए। हमारे बीच में श्री क्या श्री गौर सुंदर प्रभु जी आपको ये भागवत का नाम की महिमा क्या भागवत में, इसी विषय में बड़ा एक सुंदर प्रसंग आता है। अब प्रभु जी आपको उसी विषय में बताएंगे। अभी कोई कथा से मत जाया करो और 10 मिनट समय दो, उसके बाद नियम है कथा को लास्ट में जाननी चाहिए, ऐसे नहीं बीच में खड़े होकर कथा से चले गए, नहीं फिर कथा की अपमान ना होता है, इसलिए बीच से नहीं जानी चाहिए। 10 मिनट और बैठो, उसके बाद में प्रसाद लेकर के जाओगे, ठीक है? एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो चक्षुरुद्विदितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सभी गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम स्मरणीय गुरुपाद पद्म परमार्थम श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री गुरु गोस्वामी महाराज के चरणों में असंख्य कोटि नमन प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत समस्त गुरु परंपरा के चरणों का आश्रय लेते हुए उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी हरिकथा शौक मंडली सभी के चरणों में मेरे यथायोग्य प्रणाम। श्रीमद भागवतम के अंदर दक्ष लक्षणों का वर्णन किया गया है। अत्र सर्ग सर्गस्य स्थान पोषण भूतय अर्थात भागवतम को हम श्रवण कर रहे थे किस प्रकार भगवान की साक्षात द्वादश स्कंध भागवतम के रूप में परिणत हो गए थे। ये एक एक स्कंध भगवान का एक एक श्रीअंग है और विशेष करके हर एक लक्षण के अंदर किसी एक हर एक स्कंध के अंदर किसी एक एक लक्षण का वर्णन किया है। श्रीमद् भागवतम के अंदर जब श्री परीक्षित महाराज को श्री सुखदेव गोस्वामी ने अलग अलग नरकों का वर्णन किया क्योंकि शास्त्र में जो वर्णित कार्य है उनको करने से बतलाया धर्म, लेकिन अगर शास्त्र के विरुद्ध कोई काम करे तो वो अधर्म है, वो पाप कर्म है और पाप कर्म करने से निश्चित रूप में नर्क जाना पड़ता है। श्री सुखदेव गोस्वामी उस समय पर 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। कहते हैं जो लोग शराब पीते हैं उनके लिए एक अलग नर्क बनाया गया है। वहां पर क्या करते हैं? कहते हैं एक लोहे को पिघला करके और वो गरम गरम लोहा उस व्यक्ति को पिलाया जाता है। बोले जिस मुंह से तुम्हें भगवान का नाम लेना चाहिए था वो छोड़कर तुमने इसे शराब पी, इसलिए अब तुम्हें उसका दंड मिलेगा। जो लोग इन्हीं हाथों से तराजू में हेर फेर करते हैं उनके हाथों को काट दिया जाता है। जो लोग इन आंखों से ठाकुर के श्री विग्रह का दर्शन ना करके गंदी गंदी चीजों का दर्शन करते हैं, उल्टा सीधा चीजें देखते हैं, उनकी आंखों को जिंदा जिंदा निकाल लिया जाता है। जो लोग मांस खाते हैं उनको भी वहीं पर कोटि कोटि खड़क और तलवारों से लेकर उनको वहीं पर काटा जाता है, उनकी कोटि कोटि वहीं पर काट काट कर व्यवस्था की जाती है। जो लोग मांस को पकाकर खाते हैं कहते हैं उनके लिए भी एक अलग से नर्क तैयार किया गया है जिसके अंदर उनको भी खौलते हुए तेल में तला जाता है। जब इस प्रकार के अलग अलग नर्कों का श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे थे, विशेष करके देखो कलियुग के अंदर तो कोई भी पाप करे बिना रह नहीं गया, जाने हो या अनजाने हो हम सब किसी न किसी पाप कर्म में नियुक्त हो ही जाते हैं। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी जब नर्कों का वर्णन कर रहे थे परीक्षित महाराज मानो हमारे लिए ही प्रश्न कर रहे हो कि आपने इतने सारे नरकों का वर्णन किया, क्या इन नरकों से उद्धार पाने का कोई उपाय नहीं है? तब उस समय पर परीक्षित महाराज को श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हाँ एक उपाय है। बोले क्या? यदि किसी ने कोई पाप कर्म किया हो उसके ही विपरीत में अगर कोई पुण्य कर्म कर ले उसका प्रायश्चित कर ले तब जाकर उस पाप की निवृत्ति हो सकती है। लेकिन यहाँ पर परीक्षित महाराज प्रश्न करने लगे कि किसी कर्मकांड कैसा हुआ, मानो किसी व्यक्ति ने आज घी में मिलावट करके चर्बी मिलाकर नकली घी बनाया या फिर चावल के अंदर कंकर पत्थर मिला के और उसको बेच दिया और दूसरे ही दिन उसने जाकर कबूतरों को दाना दे दिया या फिर किसी गरीब व्यक्ति को खाना खिला दिया। मानो ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी हाथी को महावत किसी तालाब के अंदर अच्छे से स्नान करवाता है और हाथी पुनः उस जल से बाहर आते ही ढूंढता है कि मिट्टी कहाँ है। मिट्टी जगह नहीं हो तो अपने पैरों से रोंद रोंद कर मिट्टी बनाता है और मिट्टी को अपनी सूंड में लेके थर करके पूरे शरीर पर फिर से मिट्टी लगा लेता है। अरे ये तो कुंजल शौचवत, इसको तो हाथी के स्नान के समान बताया गया। हाथी को स्नान करवाओ चाहे ना करवाओ तो एक ही समान है क्योंकि पाप करके वापस से पुण्य काम किया इससे हृदय के अंदर जो वासना है पाप करने की वृत्ति है वो तो नहीं जाने वाली। यहाँ पर देखो श्री सुखदेव गोस्वामी श्री परीक्षित महाराज की परीक्षा ले रहे हैं, उनका टेस्ट चल रहा है, उनको इस तरह से उपाय कह रहे हैं जिससे परीक्षित महाराज की जिज्ञासा का पता चले। अभी परीक्षित महाराज कहते हैं कि ये तो हमें ठीक नहीं लगा, क्या कोई और उपाय है? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हाँ एक उपाय और है। बोले क्या? कि व्यक्ति पाप कर्मों में नियुक्त क्यों होता है? क्योंकि उसे अविद्या ने ग्रास किया है, वो अज्ञानी है।
उसे क्या ज्ञान है कि मैं शरीर हूँ और शरीर के लाभ के कारण जो पैसा प्रॉपर्टी जो कुछ भी लाभ के लिए पाप कर्म करता है, अगर उसका ये अज्ञान दूर हो जाए, अगर वो ज्ञान का आश्रय ले, तब जाकर क्या होगा, तब जाकर वो पाप नहीं करेगा। तब सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं कि ये उपाय भी कुछ ठीक नहीं, क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति का ज्ञान कब तक साथ में रहता है, जब तक सामने विषय उत्पन्न ना हो। डॉक्टर ने खूब मना कर दिया कि भैया तुमको डायबिटीज है, मीठा मत खाना, लेकिन जैसे ही सामने गुलाब जामुन आता है मुंह में पानी आने लग जाता है। अरे खाएंगे तो मरेंगे, तो खाकर मरेंगे, उसी के उसी समय उठाया गुलाब जामुन और मुंह में। तो कहते हैं ये इंद्रियों का दमन, ये ज्ञान, ये कब तक रहेगा? बोले जब तक विषय सामने उत्पन्न ना हो। जैसे ही विषय सामने उपस्थित होता है सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। एक समय पर एक बहेलिया था, वो जंगल में पक्षियों को बड़ी बुरी तरीके से जाल में फंसा के और लेकर जा रहा था। किसी साधु ने देखा कि ये बहेलिया तो निर्दोष पक्षियों को पकड़ पकड़ के ले जाता है, इसलिए मैं क्या करूंगा, बोले मैं इन पक्षियों की रक्षा करूंगा, मैं इन पक्षियों को सिखाऊंगा। इधर देखिए, ध्यान से सुनिए, वो गैया भी लगता है कथा सुनने आई है। बोले वृंदावन बिहारी नाथ की। तो इस बहेलिए के इस दुराचरण को देखकर साधु ने क्या किया, जंगल के सभी पक्षियों को एकत्रित किया, एकत्रित करके और पक्षियों को समझाने लगा, देखो बहेलिया आएगा। सारे पक्षी कहने लगे बहेलिया आएगा। बोले जाल बिछाएगा, सारे पक्षी कह रहे जाल बिछाएगा। बोले दाना डालेगा, बोले दाना डालेगा, लेकिन हम जाल में नहीं फंसेंगे, सारे पक्षी कहने लगे हम जाल में नहीं फंसेंगे। अभी साधु यही पाठ पढ़ा था प्रत्येक दिन पक्षियों को, बहेलिया आएगा, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, जाल बिछाएगा, दाना फेंकेगा, दाना फेंकेगा, लेकिन हम जाल में नहीं फंसेंगे। ठीक है, पक्षियों ने भी ये सारा पाठ रख लिया, उनको भी समझ में आ गया कि भैया बहेलिए के जाल में नहीं फंसना। अभी जंगल में उस दिन जब बहेलिया आया, उसको देखकर सारे पक्षी चिल्लाने लगे, बोले बहेलिया आएगा। जैसे ही बहेलिया ने सुना कि ये तो सब जानते हैं कि मैं आया हूँ जंगल में, लगता है आज तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो गया, कोई भी पक्षी फंसेगा ही नहीं, ये तो सब सीख चुके हैं। थोड़े समय बाद में जैसे ही जाल बिछाने वाला था, सारे पक्षी कहने लगे कि जाल बिछाएगा। अभी बहेलिया सोच रहा है कि जाल बिछाऊं कि ना बिछाऊं, ये तो मेरी सारी क्रियाओं को जानते हैं। फिर सोचने लगा कि चलो आया हूं तो बिछा ही देता हूं, उसने जाल बिछा दिया। थोड़े समय बाद में जैसे ही धान फेंक रहा था, उसी समय पक्षी कहने लगे धान फेंकेगा। अभी बहेलिया सोच रहा है कि ये क्या, ये तो मेरी सारी क्रियाओं को जानते हैं। लेकिन जैसे ही बहेलिए ने पक्षियों के सामने धान फेंका और उसके बाद में हम जाल में नहीं फंसेंगे ये बात तो सारे पक्षी भूल गए, सारे के सारे चले गए धान खाने के लिए। बहेलिए ने सभी को जाल के अंदर पकड़ा और फंसा कर ले गया वहां से। तो इसीलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब तक विषय सामने उपस्थित ना हो, तब तक कोई जीव का ज्ञान उसमें रहता है, लेकिन विषय सामने उपस्थित होते ही सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। इसलिए ऐसे ज्ञान को भी क्या बताया, बोले ऐसा ज्ञान मानो बताया वेणु गुल्म वत्, जैसे किसी ने बांस का जंगल है, बांस का जंगल पूरा काट के रख दिया, लेकिन क्या हुआ उसकी जड़ अभी भी जमीन में है। अभी ऊपर ऊपर से तो लग रहा है कि बांस का जंगल पूरा कटा हुआ है, लेकिन जैसे ही बारिश होगी, जैसे ही थोड़ा सा अनुकूल परिवेश उसको मिला, उसी समय पर क्या होगा, पहले से भी डबल जस्ट दो गुना वहां पर बांस की खेती हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए ये भी किसी काम का नहीं, ये ज्ञान भी किसी काम का नहीं। अब ये बात सुनकर तो सुखदेव गोस्वामी इतने आनंदित हो गए कि भैया सच में जो सामने श्रोता बैठा है ना, वो सच में कथा सुनने के लिए बैठा है, वो सर्वश्रेष्ठ वस्तु मुझसे प्राप्त करना चाहता है। उसी समय पर श्री सुखदेव गोस्वामी ने सर्वश्रेष्ठ उपाय भी कह दिया, केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अवम धुन्वन्तिकाच्छन्नेना निहारमिव भास्कर। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अगर कोई पाप कर्मों से निवृत्ति पाना चाहता हो तो सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा, केवल मात्र श्री वसुदेव भगवान कृष्णचंद्र की अगर कोई भक्ति करे
ज्ञान कर्म योग इनके द्वारा नहीं होगा। केवल मात्र भगवान की भक्ति यदि कोई करे, उनके चरणों का स्मरण करे, उनके नामों का यदि कीर्तन करे, तब क्या होगा? बोले संपूर्ण रूप से पापों से निवृत्ति मिल जाएगी। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि किसी को अगर पापों से निवृत्ति चाहिए, अपना मानव जीवन सार्थक करना हो, तो क्या करना होगा? बोले भक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। इस भक्ति को बताए, भक्ति इतनी बलवान है, जिस प्रकार देखो सुबह सुबह रात में अंधेरा होता है, अंधकार होता है, यहाँ पर सर्दी के समय पर देखा हुआ कोहरा भी रहता है, लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है, अभी सूर्य पूरी तरह से उगा भी नहीं है, लेकिन सूर्योदय के आभास मात्र से ही सारा अंधकार दूर हो जाता है। यहाँ कहते हैं अगम उन्मंती काक्षेन निहारमिव भास्कर, कि जिस प्रकार भगवान भास्कर श्री सूर्य नारायण का जैसे ही आविर्भाव होता है, उस समय पर सारा अंधकार दूर हो जाता है, पूरा अंधकार दूर होकर वहां पर आलोक विराजमान होता है। ठीक उसी प्रकार भगवान की भक्ति का यदि कोई सहारा दे, उनके नामों का यदि कोई सहारा ले, तो उस समय पर सारा अज्ञान, सारा अंधकार, सारे पाप से पूर्ण रूप में निवृत्ति प्राप्त हो जाती है। तब यहाँ पर बड़ा एक सुंदर हो इतिहास वर्णन करते हैं। देखो ये इतिहास बड़े ध्यान देकर श्रवण करने की बात है, क्योंकि इसी इतिहास को अगस्त्य ऋषि ने शपथ लेकर बताया था। ये कोई मनोकाल्पनिक कहानी नहीं है। कान्ते गुप्ते तुझे कोचे दासीपति अजामिन नामना नष्ट सदाचार दास्या संसर्ग दूषिता। कहते हैं कान्ते गुप्त जो कन्नौज, आज के समय में जिसको हम कन्नौज नाम से जानते हैं, उस नगरी में एक बड़ा सदाचार संपन्न ब्राह्मण रहता था, नाम था अजामिन। नाम जैसा था उसी प्रकार उसकी क्रिया भी बड़ा ही श्रुति स्मृति में निष्णात, बड़ा ही सदाचार संपन्न ब्राह्मण था। लेकिन क्या हुआ, बोले एक समय पिताजी का आदेश पालन करने के लिए जंगल में गया था, लकड़ी लेने के लिए, पुष्प चंदन इत्यादि लेने के लिए, और उसी समय पर क्या हुआ, उसने देखा एक शूद्र, एक शूद्राणी, एक वैश्या, वो दोनों विवस्त्र होकर और शराब पीकर एकदम निर्लज होकर वहां पर मिल रहे हैं। अभी ऐसा दृश्य देखकर देखो वो ब्राह्मण अपने आप को रोक नहीं पाया। कहते हैं दास्या संसर्ग दूषिता, यहाँ संसर्ग शब्द से श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि असत वस्तु का संग यदि कोई करे तो किंचित मात्र समय से ही उसका अमंगल निश्चित है। ध्यान देकर सुनिए, तो उस समय पर क्या हुआ था, उसने उस दासी और उस शुद्ध को जब मिलते हुए देखा है, वो अपनी आंखों को और वहां से हटा ही नहीं पाया, उसका सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया, और घर में आने के बाद में उसी चीज का चिंतन कर रहा था। भगवान गीता में कहते हैं ध्यायतो विषयान् मुंसा संगस्ते शुभ जायते, कि अगर कोई बार 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 गलती चीज का स्मरण करे, उसका विषय का ध्यान करे, तो क्या होगा, उसकी मति खराब हो जाएगी। ये ब्राह्मण अजामिल भी बड़ा ही सदाचार संपन्न था, बड़ा ही ब्राह्मण में निष्णात था, लेकिन तब पर भी उसने क्या किया, घर आकर अपनी सुंदर पत्नी को परित्याग कर दिया। कम उम्र की ब्राह्मणी थी उसकी पत्नी, बड़ी ही सेवा परायण थी, लेकिन उसको परित्याग करके और उसी वैश्य के साथ में रहने लगा। उस वैश्य के साथ में रहकर उसने अमित कुमित सब कुछ भोजन किया और उसके उसी से 10-10 संतान थी, 10 पुत्र हुए उस वैश्य से। अभी सबसे छोटा बालक जो था, उस छोटे बालक का नाम उसने रख दिया नारायण। नारायण नाम से अभी देखो छोटा बच्चा तो बड़ा प्रिय होता है, उस छोटे बच्चे से प्रेम करने के कारण सब समय उसी नारायण का ही चिंतन करता, बेटा नारायण मेरे पास में आ जाओ, बेटा नारायण मेरे लिए पानी ले आओ, बेटा नारायण तुम कहाँ हो, इस तरह से सब समय नारायण 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 नाम ही जप करता रहता था। भगवान का नाम देखो कितना कल्याणकारी है, आज के समय पे तो ये ट्रेडिशन मानो प्राय लुप्त ही हो गया है। पहले के समय पे जैसे आप लोग कुछ पुराने लोग यहाँ पर बैठे हैं, अपना नाम विचार करके देखेंगे तो भगवान का ना किसी देवी देवता का नाम मिलता जुलता होगा, लेकिन आज के समय पे लोग जिस जिसते आधुनिक होते जा रहे हैं, अपने बच्चों के नाम क्या रखते हैं, ब्रिटुल्लू बुल्लू टिंकी पिंकी, विदेशों में जो कुत्तों का नाम होता है, आज के समय पे भारतीय लोग अपने बच्चों का वही नाम रख रहे हैं।
कितने दुर्भाग्य की बात है, गोविंद दामोदर मधुसूदन सीता गीता भगवान के इतने सुंदर सुंदर नामों को परित्याग करके ये घृणित नामों को अपने बच्चों के नाम पर डरा रहे हैं। लेकिन अजामिल ने ऐसा नहीं किया, अपने पुत्र का नाम रखा नारायण। अभी नारायण 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 जप करते करते बच्चे से पूर्ण रूप में आसक्त था। जब उसकी मृत्यु का समय आया, हम देखो जो भी कार्य करते हैं काय मन और वाक्य से, जब उसकी मृत्यु का समय आया तो उसको लेने के लिए तीन तीन भयानक यमदूत आए, देखने में इतने भयानक डरावने, उनके बाल ताम्रवन जैसे पीले पीले, उनकी आंखें टेढ़ी मेढ़ी, मुख भी बड़ा टेढ़ा मेढ़ा, बड़ा विकराल रूप और हाथों में यमदंड लेकर आए हैं। अजामिल के गले में फंदा डालकर उसके प्राणों का हरण जैसे कर रहे थे। सामने उसने देखा उसका पुत्र खेल रहा है और पुत्र से आसक्त होने के कारण जोर से चिल्लाया, बेटा नारायण। नाम नाम, जब ये चार अक्षरों का भगवत नाम उसने उच्चारण किया, उसी समय पर उस ओर से सुंदर विष्णु दूत वहां पर उपस्थित हुए। इस तरफ से तीन यमदूत और इस तरफ चार विष्णु दूत। अभी दोनों के बीच में तो वाद विवाद होने लग गया। विष्णु दूत प्रश्न करते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस पवित्र आत्मा इस वैष्णव अजामिल को तुम क्यों लेकर जा रहे हो। यमदूत प्रश्न करने लगे कि तुम कौन हो, तुम कहां से आ गए यहाँ पर। विष्णुदूत देखने में इतने सुंदर थे, यमदूत भी मनीमन आनंदित हो रहे उनके सुंदर स्वरूप को देखकर। उन्होंने पीतांबर पहना हुआ था, कान में कुंडल, गले में कमल पुष्प की माला थी, सर पर मुकुट और कीरीट कुंडल विराजमान थे। उनके सुंदर स्वरूप को देखकर प्रश्न करने लगे कि आज तक तो हमें किसी ने नहीं रोका, अरे आज आप हमें क्यों रोक रहे हैं। और जानते हैं ये अजामिल को आप वैष्णव कह रहे हैं, ये अजामिल वैष्णव नहीं घोर पापी है, ब्राह्मण कुल में इसने जन्म लिया, अपना ब्राह्मण धर्म परित्याग करके और एक वैश्य के साथ में रहता था, उसी के हाथ से अमेध्य कुमेध नशा सब करता था और 10-10 संतान, उन संतान का पालन करने के लिए चोरी डकैती न जाने इसने क्या क्या पाप कर्म किए हैं। आप कहते हो ये वैष्णव है, ये पुण्य आत्मा है, कैसे संभव है। विष्णुदूत कहने लगे कि लगता है आपको धर्म का कुछ मात्र भी ज्ञान है, आपने सुना नहीं इसने अंतिम समय पर क्या कहा। बोले क्या कहा। बोले इसने भगवान के नाम का उच्चारण किया है, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। उदाहरण देकर समझाते हैं कि यदि कोई एक भूसे का पर्वत हो या फिर एक रूई का बड़ा ही विशाल पर्वत हो, अगर उसके अंदर एक माचिस की तीली लगा दो, केवल एक इतनी सी चिंगारी लगा दो, वो सारा पहाड़ रूपी पर्वत जल के भस्म हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार भगवान का नाम है, इतना शक्तिशाली भगवान का नाम, उसके पूरी जीवन समूह पाप राशि जो थी वो नष्ट हो गई है। अरे जब उसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा था तब भी उसके सारे पाप नष्ट हो गए थे, और बार 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 उसने जो नारायण 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 नाम का उच्चारण किया है, अरे ये तो उसका माला जपना हो गया, ये तो उसका साधन भजन हो गया। तभी यमदूत प्रश्न करते हैं कि इसने भगवान का नाम कहाँ लिया, ये तो अपने बच्चे को बुला रहा था, ये तो अपने बच्चे को बुला रहा था और विशेष करके अपने बच्चे से आसक्त था पूर्ण रूप में। तब विष्णुदूत कहते हैं कि भगवान के नाम की महिमा सच में आप लोग नहीं जानते। अभी सुन रहे थे ना, जनम जनम मुनि जतन कराई अंतराम नहीं आवत नाई। अरे भैया अंतिम समय पे किसी के मुख से भगवान का नाम उच्चारित यदि हो जाए, इतने साधु लोग जन्म जन्मांतरों तक चेष्टा करते हैं तब भी ऐसा संभव नहीं होता। और आज इसने जो भगवान का नाम उच्चारण किया है ये तो सच में जो भगवान की विशेष कृपा है। उस समय पर कहते हैं विष्णुदूत देखो कि भगवान का नाम चार तरीके से कल्याण करता है। बोले क्या क्या। बोले सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अधरम विदु। बोले यदि कोई भगवान का नाम संकेत रूप में ले ले, संकेत रूप में मतलब बोले अपने बेटे का नाम नारायण मधुसूदन दामोदर गोपाल इस तरह से कुछ रख लिया, लक्ष्य कर रहे हैं अपने बेटे को, लेकिन बार 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 भगवान का नाम उच्चारण हो जाता है, इसलिए सांकेत्यम।
परिहास्यम अर्थात परिहास करते हुए मजाक उड़ाते हुए, अरे कृष्ण कृष्ण बोलने से क्या होता है, अरे राम राम करते करते पूरा जीवन चला गया। अगर कोई परिहास पूर्वक भी ले, अरे न जाने कहाँ से हरे कृष्ण वाले आ जाते हैं, खुद के पास तो कोई काम नहीं, लंबी लंबी कथा चलती रहती है, हमारे तो घर में 17 काम पड़े हैं। परिहास पूर्वक भी यदि कोई भगवान का नाम ले ले, डॉक्टर भी कल्याण होगा। बोले स्तोपक खेला पूर्वक यदि कोई गान करते हुए, यदि अवहेलना पूर्वक सहज रूप में भी किसी भी तरीके से भगवान का नाम लो। उदाहरण देकर बताते हैं, आप लोगों ने कभी खेती करी है? खेती करते हुए किसान को देखा है, वो जब बीज फेंकता है कैसे फेंकता है, उठाता है गुठली में और ऐसे फेंक देता है। वो कभी ये देखता नहीं कि भैया बीज उल्टा पड़ रहा है या सुलटा पड़ रहा है ना। लेकिन जब वहां से वृक्ष होता है, वृक्ष कैसा सीधा होता है ना उल्टा होता है, सीधा होता है ना उल्टा होता है, बताइए, वृक्ष सीधा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी मेरे राम को रीज भजो या खींच, भौंक पड़े उपजे सभी उल्टा सीधा बीज। जिस प्रकार एक किसान भूमि में वृक्षरोपण करते हुए बीज जैसा भी क्यों ना देखे, उससे वृक्ष सीधा ही उपजता है, ठीक उसी प्रकार भगवान का नाम चाहे तुम सुखी होकर लो, चाहे दुखी होकर लो, चाहे हंस कर लो, चाहे रो कर लो, चाहे क्रोध में लो, चाहे प्रसन्न मुद्रा से लो, वह निश्चित रूप में कल्याण ही करेगा। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जब भगवत नाम की इतनी महिमा वहां पर विष्णुदूत गा रहे थे, अजामिल सारी बात सुन रहा था, और आज तो विष्णुदूतों ने यमदूतों को वहां से खदेड़ करके भगा दिया। अजामिल इतना आश्चर्यचकित हो गया, बोले कहां मेरे प्राण लेने को आए थे, और मैं ब्राह्मण कुल में जन्म होकर मैंने अपना पूरा जीवन ऐसे ही नष्ट कर दिया। अरे मुझे भगवान का नाम लेते लेते अपना जीवन काटना चाहिए था, सदाचार संपन्न होकर मैंने कहा इस वैश्य के चक्कर में पड़ के जीवन बर्बाद किया, आज से मैं ये सब परित्याग कर दूंगा। उसी समय पर अजामिल ने क्या किया, उसका पुनर्जीवन मिल गया, उसको साधु संत हो गया। विष्णु दूतों का जो दर्शन हुआ है, यद्यपि उसकी परमायु खत्म हो गई थी, लेकिन तब पर भी उसको पुनर्जीवन लाभ मिला है, और उसने अभी हरिद्वार में जाकर अपना साधन भजन किया। जब साधन भजन किया उसी समय पर उसकी सिद्धि प्राप्त होने पर अभी वापस से भगवान की दूत उसे लेने आए, वही चार विष्णु दूत उसे लेने आए और उसके लिए सुंदर रथ भी लेकर आए। अजामिल ने भी बड़ा सुंदर स्वरूप धारण किया, और वहां पर जैसे ही विष्णु दूत से बात करने की चेष्टा कर रहा था, उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि पहले मैं जब आपसे बात करना चाहता था, पहले जब आप आए थे तब तो आप मुझसे कुछ बोले नहीं, आप वहां से चले गए, लेकिन आप मेरे लिए रथ भी लेकर आए हो, ऐसा क्यों? बड़ी सुंदर बात यहाँ पर कहते, देखो कि पहले तुमने जो भगवान का नाम लिया था, वो भगवान का नाम केवल मात्र अपराध और नामाभास था। तुम नामाभास से मुक्ति के अधिकारी तो बन गए थे, लेकिन भगवान के धाम नहीं जा सकते। जब तक किसी साधक के मुख से शुद्ध नाम ना निकले, तब तक भगवत धाम का अधिकारी नहीं होता। और जब तुम्हारा साधु संत हुआ, जब तुमने हमारे मुख से हरि कथा सुनी, भगवत नाम की महिमा सुनी, तो साधु संत के माध्यम से तुम्हारा नाम भी शुद्ध हो गया। इसलिए लिखना श्री जगदानंद पंडित हमारे एक परिकर हुए हैं महाप्रभु के, उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि यदि करीबे कृष्ण नाम साधु संत कर मुक्ति मुक्ति सिद्धि वांछा दूरी परिवर्त, कि अगर तुम्हें शुद्ध कृष्ण नाम करना है तो भैया साधु संत करो। भगवान का नाम ऐसे ही लोगे तो कल्याणकारी तो है, लेकिन वो तब पर भी भगवान के नाम को आपको नहीं ले जा पाएगा जब तक साधु संत नहीं करोगे। केवल मात्र साधु संत में ही हमारी अन्य अभिलाषा रूपी सारी इच्छाओं को काट देते हैं साधु। संत एवं चिंतन भी मनोवासन मुक्ति भी, साधु ही केवल मात्र हमें शुद्ध नाम करने की शिक्षा प्रदान करेंगे। बोलो श्री नाम प्रभु की। अभी हम बोलो श्री हरि नाम प्रभु की। श्रीनाथ जय श्री आ
मुकुट एक बेटी भारती है, एक पिता है उप चौधरी एक सौ बजावे श्याम बाजुरी मनुरा, एक सौ बजत पर नूपुर जोड़ी जोड़ी है अनूठी उपमा सब झूठी Oh.
सब जगह खड़े हो जाओ, अभी भागवत काल के Oh my.